धन्यवाद रामकृष्ण जी, सुनील जी, आशीष जी, तमाम टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर और साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप बैठे हैं वो कैसे? चुपचाप रहने वाले तीन तरह की प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। चुप रहने से हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम आती है, चुप रहने से सामने वाले के जीवन में भी प्रॉब्लम आती है, और चुप रहने वाले जो लोग हैं अपनी खुद की प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी एकदम चुप है तो समस्या बढ़ने वाली है कि कम होने वाली? गुरुग्राम के आदमी बहुत समझदार है, आई लव यू, बहुत समझदार। दूसरा, एक पुलिस वाला आ जाए और बोले कि इस ऑडिटोरियम में चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा नहीं की मैंने, और जो चुप रहेगा उसके साथ क्या होगा? कितने समझदार हैं आप, मैं ये समझाना चाहता हूँ। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हैं तो जवाब दोनों भाई, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि तबीयत तो खराब नहीं है आपकी, कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद। कल इवनिंग में मेरी सेमिनार कर्नाटका में थी, बेलगांव में, और मैं अभी यहाँ पर सुबह की मीटिंग में यहाँ पर हूँ। मेरा जो गला है ना पूरी तरह खत्म हो चुका है, 17 मीटिंग लगातार थी मेरी, 17। yes. लेकिन मेरे गले से आज की मीटिंग पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। yes. ये अपने आप खुल जाएगा आपके जोश से। आप एक्साइटेड रहिए और मैं जो प्रश्न बोलता हूँ या जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब देना। इतना क्या बना रहे हैं यार, सारी वीडियो यूट्यूब पे इतनी वीडियो मिल जाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, मेरी अपलाइन बार बार कहती है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को परिपूर्ण बना देता है। हिंदी में है करत करत अभ्यास जड़ी मत होत सुजाना। अगर जिस काम को तुम लगातार करते रहोगे उसमें परिपूर्ण हो जाओगे, राइट? ऐसा किसने कहा? मेरी अपलाइन। अगर तुम बार बार फोटो खींचोगे तो किसमें परिपूर्ण हो जाओगे? तो फिर आप क्या बन जाओगे? तो फोटोग्राफर बनने आए हैं आप यहाँ, इसलिए छोड़ दीजिए यार। अगर जीवन में मौका मिले तो फोटो खींचना चाहिए कि खिंचवाना चाहिए? खिंचवाना चाहिए ना। तो पहले मैं भी लोगों के ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लेता था, लेकिन मेरी अपलाइन के सानिध्य में आने की वजह से, उनकी बातों का पालन करने की वजह से लोग मेरा फोटो खींचने लगे। और मैंने कोई ऐसा महान काम नहीं कर दिया, मैंने काम एक डिसिप्लिन वे में किया, और दुनिया का हर इंसान वो काम कर सकता है जो मैंने किया, और आपका भी लोग फोटो खींच सकते हैं। और आज अगर मेरी बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। कैसे हैं? लास्ट बार पूछ रहा हूं आप, कैसे हैं? अब ठीक लग रहा है। अच्छा, कितने लोग जिंदा हैं? वो पीछे भाई साहब चेक ही कर रहे हैं खुद को। जिंदा ही है ना आप लोग? और जिंदा लोगों से ही मेरे से बात की जाती है, मैं जिंदा आदमियों से ही बात करता हूं, राइट? जीवन में बहुत समस्याएं हैं मैं जानता हूं, मतलब मुझे ही कोई समझाने की जरूरत नहीं कि आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। लेकिन ये जीवन की सारी समस्या इसलिए है क्योंकि हम जिंदा हैं, राइट? yes. समस्या खत्म करनी तो क्या करना पड़ेगा? आई लव यू यार, बहुत समझदार है। गुरुगांव के लोग जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। यानी जीवन में चैलेंज आएंगे कब तक? जब तक हम जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहना महत्वपूर्ण है, चैलेंज महत्वपूर्ण नहीं है। ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, हर आदमी को लगता है कि मेरा चैलेंज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस दुनिया में जब आते हो तो अलग अलग तरह के चैलेंज सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन खुश हो जाइए कि इन चैलेंजों की वजह से ही आप जिंदा हैं। मरे हुए आदमी को कोई चैलेंज आया अभी तक? कितना मस्ती से सो के जाता है।
तुम छाती पीटते रहो, उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो चैलेंज आते रहने चाहिए और ये बताता है कि हम जिंदा हैं, राइट। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो रही है, मैं जानता हूं। हर साल लाल किले से देश के प्रधानमंत्री यही बोलते हैं कि हालचाल ठीक नहीं है, मुझे पता है। सारे प्रधानमंत्री यही बोलते हैं और सभी कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा। सब क्या बोलते हैं? ठीक कर दूंगा। और 75 साल से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं ठीक करूंगा, ठीक कर दूंगा। और हम इतने भोले हैं कि हम सोच रहे हैं कि वही ठीक करेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा जो हमारे को ठीक कर देगा। पूरी सृष्टि पर कोई किसी को ठीक नहीं कर पाएगा। अगर इस दुनिया में कोई किसी को ठीक कर सकता है तो खुद को खुद, यानी स्वयं ही खुद को ठीक कर सकता है। और दुनिया में किसी के पास ठीक करने की ताकत नहीं। ये जीवन की सारी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जीवन में सब हम अपने मुताबिक सबको चलाना चाहते हैं। जीवन में हम बहुत सारी आशाएं रखते हैं लोगों से और वहीं से जीवन के सारे चैलेंज आना चालू होते हैं। मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरी बीवी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरा पति मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मेरे हिसाब से पूरी सृष्टि चले। और जब भी लोगों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे आप खुद टेंशन में आ जाओ। इसलिए जीवन में बहुत सारे चैलेंज हैं, प्रॉब्लम हैं। किसी को ठीक करना आपके बस की बात नहीं है, आप खुद को ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अप्रिशिएट कर आप अपने जैसा उसे बना सकते हैं। अप्रिशिएट करके उसके अंदर जो सुधार चाहते हैं वो ला सकते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज कंडम यानी खंडन कर आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। मैं छोटे से एग्जाम्पल दूंगा फिर बात चालू करूंगा। माइंड प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है मैं जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं उसकी। आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है और 3rd डिवीजन में पास हुआ है। बीइंग ए पेरेंट्स आपको गुस्सा आएगा कि प्यार आएगा? मैंने कहा कि नहीं बोलते हो तो तीन तरह की प्रॉब्लम हो, बताइए। गुस्सा आएगा ना? यस। एक आम आदमी को जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? गाली गलौज, थप्पड़ लगा, राइट। सभी आदमी कह रहे हैं कि हम शब्दों से ही काम चलाते हैं। वो कहते हैं उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, मेरी नाक कटा दी तूने, पड़ोस की लड़की को देख हमेशा 1st डिवीजन पास होती है। तो आपका लड़का कहता है उसी को तो देखता हूँ इसलिए फेल होती है। अभी मैं आपको हंसा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए मेरी बात को समझने के लिए। और कुछ लोग जो हैं क्रांतिकारी किस्म के होते हैं, वो बातों के साथ हाथ पैर भी चलाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, ऐसा करने के बाद कितने के बच्चे मेरिट में आ गए? गुरुग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी सृष्टि पर एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी धुनाई करने के बाद वो मेरिट में आ गया, या गधे का बच्चा बोलने के बाद वो क्लास का टॉपर बन गया। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको ये पता है कि रिजल्ट नहीं आएगा फिर भी करते हैं क्योंकि भड़ास निकालनी है। हम चाहते कि हमारा भी कोई योगदान होना चाहिए और जबरदस्ती योगदान देने की कोशिश करते हैं जबकि आप कुछ कर नहीं सकते। क्रिटिसाइज करके आप इसे टॉपर नहीं बना सकते, पूरे संसार में ऐसा हुआ ही नहीं। मेरी अप्लाइंग द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड का हवाला देकर मुझे बार बार कहती थी, शब्दों में जो पावर होती है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर होती है। परमाणु बम अगर एक जगह गिरे तो 15 साल उसका असर होता है, लेकिन अगर गलत शब्द बोला जाए ना तो उसका पीढ़ियों तक नतीजा भुगतना पड़ता है। तूने मुझे ऐसा कहा, फिर आपके पड़पोते लड़ेंगे, तेरे पड़दादाजी ने मेरे पड़दादाजी को ऐसा कहा, और वहां तक युद्ध चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। एक शब्द, एक सही शब्द बड़े से बड़े युद्ध को रोक सकता है और एक गलत शब्द भारी से भारी युद्ध को शुरू कर सकता है। इसका मतलब ऐसे मत बोलिए कि सामने वाला आदमी तुम्हारे से ही घबराने लग जाए।
बच्चे को पीटोगे, इसका मतलब वो मेरिट में तो नहीं आएगा, वो तुम्हें खड़ूस समझना चालू कर देगा, तुम्हें राक्षस समझना चालू कर देगा। पिताजी जिधर से निकलेंगे वो पतली गली से पीछे से निकल जाएगा, वो आपके सामने भी नहीं आएगा। इलाज नहीं है। मेरी अपलाइन क्या कहती है, अगर ऐसा हो जाए तो कैसे करना चाहिए, एक डेमो बताया हूं। अगर आपका बच्चा 10वीं क्लास में आया है और फेल या थर्ड जन पास हुआ है तो उसकी मार्कशीट को देखना और मुस्कुराना। क्या करना है? फिर बच्चे की तरफ देख के भी मुस्कुराना। 3-4 बार लगातार ऐसा कीजिए, बच्चे को देखिए, मार्कशीट को देखिए, मुस्कुराइए और फिर धीरे से बोलिए गजब। क्या बोलना है? वेरी गुड। क्या बोलना है? मजा आ गया, मजा आ गया। पूरे साल मैंने तुझे 1 सेकंड भी पढ़ते हुए नहीं देखा फिर भी पास। अभी भी वही बोला है कि पढ़ता नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका चेंज कर दिया। पूरे साल मैंने तुझे 1 सेकंड भी पढ़ते हुए नहीं देखा फिर भी पास। इसका मतलब दिमाग तो तेरे अंदर है, क्योंकि जो बच्चा बिना पढ़े पास हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 घंटा भी रोज पढ़ना चालू करे तो कॉलेज का स्कूल का टॉपर बन सकता है। ऐसा कहने से 5% भावनाओं को जगाया जा सकता है और पढ़ने के प्रति प्रेरित किया जाता है। गधे का बच्चा बोलने से तो नहीं होगा। क्लियर? यस। हिंदुस्तान के 95% शादीशुदा पुरुषों को लगता है कि जिससे भी मेरी शादी हुई है उससे ठीक मिल सकती थी। कितने परसेंट? 99 है। हिंदुस्तान के 95% पुरुषों को ऐसा लगता है, सर्वे की रिपोर्ट। लेकिन एक सर्वे उसके बाद हुआ जिसमें 99.999% जो शादीशुदा लेडीज है ना, उनको लगता है कि इससे अच्छा बंदर मिल सकता था। तुम 95 पे बड़े खुश हो गए थे कि तुम्हारी प्रॉब्लम भारी है, उधर 99.9999 कभी झांक कर तो देखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो हो गया उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, भड़ास निकालते। तुम उसे कहते हो कि मेरी किस्मत खराब थी कि तेरे से शादी हो गई, और वो कहती है कि मेरा कर्म फूट गया कि तेरे साथ शादी हो गई। और जिंदगी भर दोनों एक दूसरे को ऐसा कहते रहते हैं, वो बच्चे बेचारे बीच में पिसते रहते हैं, उनका भविष्य खराब होता रहता है। अब शादी तो हो गई ना महाराज, अब करोगे क्या? अब जैसा भी है तुम्हारा ही है ना, तो तुम ऐसे करके कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पर नहीं ला पाओगे। अब तो एक ही तरीका है, जो भी है उसे अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। जो भी है उसे अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। एक भाई साहब थे जो 9 बजे ऑफिस जाते थे, 7 बजे का अलार्म भरते थे। एक दिन अलार्म भरना भूल गए, 8 बजे नींद खुली। 8 बजे नींद खुली तो टेंशन में आ गए, इतने भारी टेंशन में आ गए कि वो तुरंत उठे, फटाफट स्पीड से करंट की तरह फटाफट बेसिन पर गए, ब्रश लिया, पेस्ट लिया, रगड़ना चालू किया और फटाफट ब्रश को खत्म करके बाथरूम की तरफ दौड़े, टॉवल खींचा और बाथरूम में दौड़े। बाथरूम की चटकनी लगाने से पहले चिल्लाए, अरे सुनो मैं बहुत लेट हो गया हूं, चाय तैयार रखना। ऐसा होता कि नहीं होता? होता, करते करते गए। मैं बहुत लेट हो गया हूं, चाय तैयार रखना। आपकी बीवी सुबह 4 बजे से उठी हुई, बच्चे को तैयार करने से लगाकर ब्रेकफास्ट बनाने तक, स्कूल को भेजने तक की तैयारी कर चुकी है। आज लंच में डिनर में क्या बनेगा उसकी तैयारी कर चुकी है। झाड़ू पोछे कब कब कैसे कैसे लगेंगे, पूरे दिन में उसे क्या काम करना है, उसकी पूरी प्लानिंग आपकी वाइफ कर चुकी है। लेकिन आपको इस तरह से परेशान होते हुए उसने देखा नहीं कभी, इसलिए वो आपको कोऑपरेट करती है और वो सारे काम छोड़कर किचन की तरफ भागती है। मीडियम फ्लेम पर चाय बनाती थी हमेशा, आज उसने अपनी फ्लेम को टॉप पर ले गई, तेज गति से चाय बनाना चाहती है आपके। इतनी तेज गति से चाय बनाती है कि चाय में शुगर शक्कर यानी चीनी डालना भूल जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता कभी कभी जल्दबाजी में होता है? अब हम मनुष्य,
हम अच्छाई को हाइलाइटेड नहीं करते, हम हाइलाइटेड क्या करते हैं, जो कमी होती है उसको। शुगर डालना आपकी बीवी क्यों भूली, क्योंकि उसने चाय बनाई। अगर वो चाय नहीं बनाती तो शुगर डालने की गलती होती, कभी भी गलती नहीं। इसका मतलब यह है कि काम जो करेगा ना, गलती उसी से होती है। आपने कभी चाय बनाई नहीं तो आपको गलती हुई क्या करनी, उसने चाय बनाई इसलिए गलती हो गई, अगर चाय नहीं बनाती तो शायद गलती होती। शुगर नहीं है, चिल्लाए तेज, दिमाग खराब कर दिया, एक चाय ढंग से नहीं बना सकती तुम। लेडीज जो है ना, सहनशीलता की मूरत है, जो पेशेंस लेवल लेडीज के अंदर पाया जाता है पृथ्वी पर, किसी इंसान में नहीं पाया जाता। लेकिन कोई भी लेडीज जो है ना, 3 साल तक ही लगातार सुनती। आप ही की कहानी बता रहा हूं, 3 साल तक वो बेचारी सुनती रहती है, सुनती रहती है। 3 साल बाद उसे लगता है कि ये सुधरेगा नहीं, फिर उसकी चोंच खुलना चालू होती है शादी के ठीक 3 साल बाद। और उसके बाद अगर ऐसा बोला तो आपकी बीवी तुम्हें तुरंत जवाब देती है, अच्छा मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं है, कल से तुम्हारी चाय तुम बना लेना। समस्या बढ़ गई कि कम हो गई? और बोलो, तुम जब भी बोलते हो समस्या के पिटारे खोलते हो। मेरी अपलाइन कहती है कि ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं बोलना। द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड का मतलब यह है कि जो आप बोलना चाहते हो ना, वो सामने वाले से कहलाओ। जो आप बोलना चाहते हो ना, वो सामने वाले से कहलाओ। और दो जने आपस में बात करें तो तीसरे वाले को भनक भी नहीं पड़े कि ये बात क्या हो रही। आज के बाद ऐसा नहीं करना। बीबी अगर चाय में शुगर डालना भूल गई है, उस दिन को बीबी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्सी निगाहों से देखना। बीबी की कलाई पकड़कर खींचना है, अपने नजदीक बिठाना और बोलना है, कितना काम करेगी तुम, पूरे दिन भर काम काम काम। अरे मशीन है क्या, इतना कोई काम इंसान कर सकता है क्या? कभी तो तेरा फर्ज बनता ना पति के साथ बैठकर चाय भी पी जाए। वो कहती है ठीक है मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, एक ही कप से पिएंगे, एक सिप तुम एक सिप में, पहली सिप आपको पीनी है और चेहरे से बताना नहीं है कि चाय में शुगर नहीं, ऐसे चाय पीनी है जैसे एकदम ठीक चल रहा है सब कुछ। चाय पीजिए और बीबी को दे दीजिए। अब बीबी चाय पीकर बोलेगी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, इसमें तो शुगर ही नहीं है, कैसे पी रहे हो? तुम क्या कहने वाले थे, तुम भी तो यही कहने वाले। अब बीबी ने कह दिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम भी कहने वाले थे दिमाग खराब है क्या। उसने भी क्या बोला, दिमाग खराब है क्या, इसमें तो शुगर नहीं है। तो आपको एक डायलॉग बोलना है, डार्लिंग तेरे गुलाबी होंठ लग गए ना चाय पर, अब शुगर की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कहने से, ऐसा करने से 15 मिनट में रिजल्ट आएंगे, सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट बाद तुम्हारी बीबी ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगी और धीरे से पूछेगी, आज आप नाश्ते में क्या लेंगे? और अगर आपने अप्रिशिएट नहीं किया तो सबसे पहले उसने 3 पकवान बनाए, फिर धीरे धीरे आकर के आलू पराठे और दही पर टिक गई, साथ में कोई सब्जी नहीं। धीरे धीरे और चलोगे तो सूखी रोटी और उसके बाद घास खाने को मिलेगी। इसलिए अप्रिशिएट करना चालू कर दो, जो भी कर रहा है उसे अप्रिशिएट करो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दुनिया के 95% डाउनलाइन को लगता है कि अपलाइन ठीक नहीं है। कितने परसेंट? 95। लेकिन वो तुम्हारा अपलाइन बन गया है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो उसे अच्छा कह के अच्छा बना दो, डाउनलाइन खराब है तो अच्छा कह के अच्छा बना दो, पिकअप सेंटर गड़बड़ है तो अच्छा कह के अच्छा बना दो। क्योंकि अच्छा कह के किसी की जिम्मेदारी को बढ़ाया जा सकता है और क्रिटिसाइज करके जिंदगी भर के लिए पत्ता काटा जा सकता है।
राइट, करेंगे अप्रिशिएट। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। मेरी इंटायर एजुकेशन जो है वो बीकॉम तक की है। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, मेरे से कई लोग यहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। मैं उनके बुद्धिमत्ता को, उनके ज्ञान को, उनकी डिग्रियों को प्रणाम करता हूँ और ज़िंदगी भर कसम खाता हूँ कि मैं आपसे सीखता हूँ, सीखता रहूँगा और सही मायनों में मेरे ज़िंदगी में कोई गुरु हैं तो आप हैं। 3000 से ज़्यादा वीडियो मेरा यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, कई टेप्स भी मिलेगी और मैंने किसी वीडियो और किसी टेप में आज दिन तक एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली जो किसी किताब में लिखी, क्योंकि मैं किताब में लिखी हुई बातें करता ही नहीं। मैं आप ही लोगों से कुछ पूछता हूँ, आप ही जब मुझे जवाब देते हैं या आप मेरे से पूछते हैं जब मैं जवाब देता हूँ, वहीं से मेरे सारे टॉपिक निकल दिया जा करते हैं और मैं वही बातें आपके सामने करता हूँ। इसलिए मेरा कोई एक गुरु ही नहीं है, मेरे सारे गुरु हैं, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से ही सीख लेता हूँ। 30 साल की एज में मुझे पहली बार 4 साल की लड़की ने पेस्ट करना सिखाया। 30 साल तक मैं लगातार पेस्ट कर रहा था और अपने आप को परफेक्ट समझ रहा था। मेरी 4 साल की डॉटर अभी मुंबई में सर्विस करती है, वो मेरे पास आई और मुझे घूर के देखने लगी संडे के दिन। मैंने कहा क्या हुआ कि डैडी आप इतने बड़े हो गए अभी तक आपको पेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा भाई पेस्ट क्या नहीं करना आता, मैं पेस्ट ही तो कर रहा हूं। वो कहा नहीं, आपकी दांतों की लाइन स्ट्रेट है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं, आपके मसूड़े ऊपर और नीचे हैं और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हैं तो न मसूड़े कभी साफ होंगे न दांत कभी साफ होंगे। एक छोटी सी गुड़िया ने समझा दिया। कौन कब सिखा देगा पता नहीं। मेरी अपलाइन कहती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराब भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराब भी सिखा देता है और ना सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए सीखो, हर बार सीखो, है ना। एक वर्ड जीवन में कभी लाना नहीं, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मेरे को सब आता है, ये कहोगे खत्म हो जाओगे। परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं तो आपको लकवा लग गया है। मेरा एक दोस्त था जिसको कुछ भी बोले लास्ट में क्या कहता था, इसमें क्या बड़ी बात, ये तो मुझे पता है हर बात पे। आपके भी ऐसे कई दोस्त होंगे ना जो हर बात पे कहते हैं ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, मैं तो जानता हूं। मेरी अपलाइन के पास गया, मैंने कहा भाई साहब वो तो बार बार कहता है सब कुछ पता है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे चीज सिखाई और मैं उसी आदमी के पास वापस गया जो कहता था पता। मैंने कहा भाई साहब आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है और ये बात भी आपको 100% पता होगी कि आपके पिताजी की जब डेथ हुई थी उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और कहा कि बेटा मेरा चुकाएगा, क्या आपको पता है? भाई जिंदगी में पहली बार उसने बोला पता नहीं, बाकी हर बार बोलता है पता। तो ऐसा नहीं बोलना। तो तुम मेरे गुरु हो, लेकिन गलतफहमी है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और यह गलतफहमी जिंदगी भर चलनी चाहिए। तुम भी गुरु मैं भी गुरु हो जाते हैं शुरू, फिर कोई रोक नहीं पाएगा हमें, क्योंकि हमारा आदमी से सीख जाएंगे, हर जगह पर सीख जाएंगे। 1973 में जन्म के बाद अपने इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया और जब मेरा इकोनॉमिकल करियर चालू हुआ तो मेरी पहली सैलरी थी 750 रुपये। 750 रुपये की नौकरी मैंने चालू की, लेकिन पैसों के प्रति ये अट्रैक्शन मेरा पहला अट्रैक्शन नहीं था। 6 भाई बहनों के परिवार का सबसे छोटा सदस्य होने के नाते मेरे पिताजी जब मैं 9 साल का था तब रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ 250 रुपये पेंशन आती थी, मकान का किराया 250 रुपये आता था, 500 रुपये में परिवार का गुजारा चलता था। हमारे माँ बाप ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया और उनका सपना था कि किसी तरह अंतिम वाला बच्चा भी पढ़ लिख जाए। लेकिन घर में जब भी कोई तनाव आता था, कोई टेंशन होती थी तो उसकी वजह पैसा होती थी।
और बचपन से ही दिमाग में फिट हो गया कि पैसा कमाना है और ढेर सारा पैसा कमाना है। और भाई साहब छठी क्लास में ही हमने बिजनेस करना चालू कर दिया। छठी क्लास में 1.60 रुपया हमने इकट्ठा किया और पतंग की दुकान लगाई। 1.60 रुपया मेरे पास था, 1.60 रुपये मैंने मेरे भाई से उधार लिया। उधार लेना मैं छठी क्लास में ही सीख गया। मेरे भाइयों, उधार देने वाला दो बातें पूछता, क्यों चाहिए और मुझे क्या मिलेगा। बैंक भी यही पूछता, क्यों चाहिए और वापस चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, या चुकाने जैसे तरह हालात भी है कि नहीं। तो मेरे भाई को मैंने 1.60 रुपया मांगा, तो मेरे भाई ने कहा क्या, क्यों? मैंने कहा दुकान लगानी है। तो मेरा भाई मुस्कुराया, इतना छोटा सा, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूं, मैंने दुकान के नहीं सोचा, तू कैसे दुकान लगाएगा। तो मेरे भाई को मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई कि मैं भाई पता लगा के आया हूं कि 10 पैसे में जो पतंग मिलती है होलसेल में उसकी रेट क्या है, और अगर तुमने मुझे 1.60 रुपया उधार दिया तो 4 किलोमीटर तक एक भी पतंग की दुकान नहीं है, इधर के सारे ग्राहक मेरे हो जाएंगे और मेरी पतंग की दुकान बहुत अच्छी चलेगी, और अगर तुम मुझे 1.60 रुपया दोगे तो मैं तुम्हें 1.90 रुपया 3 महीने में वापस दूंगा। और मेरे भाई ने मुझे 1.60 रुपया उधार दे दिया छठी क्लास। 3.20 रुपये से मैंने पतंग की दुकान लगा दी। और रामकिशन जी, उस पतंग की दुकान से जो मेरा पैसा है ना, मैंने 3 महीने में डबल कर दिया। कितने महीने में? 3 महीने। कौन सी क्लास में? आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें 3 साल में भी डबल हो सकता है? मेरे से ले जाओ 10-20 करोड़ रुपए, संभव नहीं। लेकिन ये तीसरी, छठी, 5वीं क्लास की बात है। 5वीं 6वीं क्लास में मेरा ये बिजनेस करने का सफर चालू हुआ जो कभी रुका ही नहीं। अब मैं आप बच्चों की तरह रिएक्ट ही नहीं करता था। होली का मौसम आता था, सारे बच्चे कलर लाने और लगाने की तैयारी करते थे और मैं कलर की दुकान खोलकर बैठ जाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाते थे, मैं राखी की दुकान लगा लेता था। और दिवाली पर लोग फटाके चलाने की तैयारी करते थे, मैं फटाके की दुकान लगा लेता था। एक सीजन नहीं छोड़ता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 9वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर होती थी। पार्ट टाइम में बराबर इनकम होना छोटी मोटी बात नहीं। 10वीं 11वीं क्लास में आते आते हमने थोड़े बड़े बिजनेस करना चालू कर दिया। हमें कोई समझाने और गाइड करने वाला नहीं था कि कौन सा अच्छा काम है कौन सा खराब काम है। हम तो एक ही चीज देखते थे कि पैसा आता कि नहीं आता। और LPG सिलेंडर की बहुत कमी थी उस समय हिंदुस्तान में, हमने उनको ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया। आशीष जी नेटवर्क अभी बना रहे होंगे आप, हमने नेटवर्क बचपन में ही बनाना चालू कर दिया। पता लगाते थे कि कौन सी छोटी फैमिली है, उनके घर में जाके प्लान समझाते थे कि भाई साहब सरकार तुम्हें 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो एक ही होता है, सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दोगे तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा में सिलेंडर लेकर 150 रुपये एक्स्ट्रा में टिका दिया करते थे। और 10वीं 11वीं क्लास में 2,500-2,500 रुपये कमा लेते थे। 12वीं क्लास में आते आते इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि हम किसी से डरते नहीं थे, हमारा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। लोग सोचते हैं कि जिम में जाने से ही सीना बाहर निकलता है, मैं कहता हूं पैसा कमाने से भी निकलता है। कमाते पैसा निकलेगा, पैसा कमाओगे। इतना कॉन्फिडेंट था कि LPG सिलेंडर का जो डीलर था ना भीलवाड़ा में एकमात्र, उसके ऑफिस में घुस गया बिना उसकी परमिशन। और मैंने कहा नमस्कार सर, आप मेरे आइडियल हैं, आप भीलवाड़ा की शान है, लोगों के आदर्श है, और आपका नाम बदनाम होता तो मेरे से देखा नहीं जाता, क्योंकि मुझे यह पता चला है कि आप और आपके लोग मिली भगत से गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा तू है कौन, आया कैसे? मैंने कहा सर मुझे ये पता नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता आपका नाम बर्बाद होता है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें और जो भी करना है मेरे थ्रू करें। इतना जोरदार प्लान समझ में आया कि उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा देख इसको सुन, क्या कह रहा है, तुम एक एक सिलेंडर ब्लैक करते हो, बदनामी मेरी होती है, इसलिए इसको परमानेंट एजेंट नियुक्त कर दो।
एक ही आदमी ब्लेक कर सकता है, यानी हमारी कंपनी केवल इसी को देगी और यही पूरे भीलवाड़ा को देगा। और भाई साहब बड़ा सा बिजनेस मेरे हाथ में आ गया। अब भीलवाड़ा में अगर एक ही ब्लैक मिलर था मुकेश कोठा, किसी के पास सिलेंडर मिलते नहीं थे मेरे अलावा। शादी ब्याह का सीजन होता है तो आप क्या करते हैं, दो चार बार सीजन में खाना खाने जाते हैं। पूरे भीलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो हमारे बगैर हो जाए। क्यों, हलवाई क्या करेगा बिना सिलेंडर के? लोग कार्ड छपवाकर सीधा हमारे पास ही आते थे और कहते थे सह परिवार आना है साथ में चार सिलेंडर भी लाना। सब कुछ ठीक था जीवन। टीवीएस चैंप मोपेड में चलाता था 12वीं क्लास में, और मेरे प्रिंसिपल के पास लूना थी, दोनों साथ साथ जाते थे स्कूल के। पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ाई में बिल्कुल मन था ही नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि लोग पढ़ते क्यों, लेकिन फिर भी पढ़ रहा था क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बाप मेरे पिताजी थोड़े खड़ूस किस्म के आदमी थे। वो कहते थे पढ़ाऊंगा और पढ़ा कर रहूंगा, फेल हो जाएगा तो बार बार पढ़ाऊंगा, और जब तक पास ना हो जाए पढ़ाता रहूंगा। तो पढ़ना मेरी मजबूरी थी क्योंकि छोड़ सकता ही नहीं था। पिताजी ने प्रण कर लिया बीकॉम इसे करानी है, 10 बार भी फेल हो गया तो इसको इसी क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ा कर रहेंगे। तो मेरे को छुटकारा पाने के लिए पढ़ना जरूरी था, पास होना जरूरी था, और हर साल में कोई जुगाड़बंदी करके पास हो जाता था। कॉपी करने में बचपन से ही माहिर खिलाड़ी था मैं। 5 दिन पहले किताबें खोलता था, पढ़ने के लिए नहीं चिट बनाने के लिए। 5 दिन पहले तैयारी करता था और जैसे तैसे करके पास हो जाता था, इधर उधर से हेडिंग करके, सामने वाले से कॉपी करके, और हर साल पास हो जाता था। पास होने में इतनी माहिर थी, कॉपी करने में इतना माहिर था मैं, जिससे मैं कॉपी करता था उसके 95 नंबर आते थे, हमारे 97। पूछोगे तो बता दूंगा कैसे, नहीं पूछो कैसे पूछने तो जब भी मेरे से पूछना तो एक ही तरीका है पूछने का, मैं बता देता हूँ। ऐसे हाथ को कीजिए सभी लोग, ऐसे ऐसे कीजिए बहन जी, ऐसे कीजिए आप, ऐसे करो हाथ में, हाँ ऐसे करो, करो करो सभी करो करो बहन जी, हाँ कर दिया सबने, कर दिया ऐसे। जब भी मेरे को पूछना है तो बोलना बताओ 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 बताओ, ठीक है तो मैं बता दूंगा। अब समझा दिया मैंने, बार बार नहीं बताऊंगा। मेरे 97 और जिससे कॉपी करता उसके 95 क्यों आते थे? क्योंकि हम कॉपी करने के माहिर खिलाड़ी थे। तो क्या हमने एक ही आदमी से कॉपी करते होंगे? आगे बात समझ, हम सबकी कॉपी करते, और इस बिजनेस में हमारी कामयाबी का राज भी कॉपी करना ही है। हमारी 4 अपलाइन थी, मतलब है 4 अपलाइन है। पहला केसी चावड़ा जी, दूसरा बीसी चावड़ा जी, तीसरा प्रहलाद राय जी, चौथा बिरुदान जी करवा जी। हम क्या करते थे, सभी से सीखते थे। केसी जी से हम आंकड़े सीखते थे, बीसी जी से हम बोलना सीखते थे, प्रहलाद जी से हम कैलकुलेशन सीखते थे, और व्यवहार की गणित हम बिरुदान जी करवा से सीखते थे। वो सब चारों लोग अपने अपने कार्य में होशियार थे, एक्सपर्ट थे। हमने चारों की कॉपी कर ली और उनसे भी आगे निकल गए। यही राज है कामयाबी, यही कामयाबी का राज। क्यों बनाना एक को गुरु, सभी गुरु हैं ना पूरी दुनिया में, सबसे सीखना है। हर आदमी के अलग अलग तरीके हैं और उन सारे तरीकों को हमें सीखना है। हम एक आदमी के पीछे क्यों भागे? जैसे तैसे हम बीकॉम हुए और हमारा सपना पूरा हुआ, और हमारे पिताजी माताजी खुश हुए कि उनका टारगेट भी पूरा हो गया, और हम इंतजार भी बीकॉम का कर रहे थे क्योंकि पिताजी खुलकर काम करने नहीं देते थे, पार्ट टाइम ही करना पड़ता था क्योंकि पिताजी कहते थे पढ़ाई करना जरूरी है। और हम सोच रहे थे कि बीकॉम हो जाएगा फिर कोई मना करने वाला नहीं रहेगा, फिर करके बताएंगे बिजनेस। तो एक दोस्त के पिताजी की मदद से एक प्राइवेट नौकरी मैंने चालू कर दी। 12 घंटे की नौकरी थी मेरी, सुबह 8 बजे रवाना होता था, रात को 8 बजे घर पर आता था। 1 महीना मैंने फुल काम किया, बहुत एकाग्र होकर काम किया। 1 महीने बाद सैलरी का टाइम आया,
तो मेरे बॉस ने मेरे को पास में बुलाया और बोला, शाबाश, बहुत अच्छा काम करता है, आम बच्चों की तरह नहीं है, सबको हम 700 रुपए देते हैं, तेरे को 750 देंगे। मैं कितने कल पहले कमाता था पार्ट टाइम 2500-3000, और ये मुझे क्या कहता है, शाबाश 700 देंगे। मेरे को इतनी हंसी आई उसके ऊपर और इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा, यार क्या आदमी किस तरह की बातें कर रहा है। मैं कसम खा के आया वहां पे कि मैं इस कंपनी में वापस जाऊंगा, मुझे करनी ही नहीं नौकरी। लेकिन सोच के तो आ गया, लेकिन रास्ते में ये सोच रहा था कि पिताजी को कैसे समझाऊंगा, ये नहीं समझ में आ रहा था। मैं पूरी दुनिया में सबको समझा सकता था, मेरे पिताजी को छोड़। फिर एकदम दिमाग में आइडिया आया कि माताजी को पटाते हैं, पिताजी अपने आप ही समझ जाएंगे। अपने हमारी माँ के सामने गए, बाल बाल बिखेर कर, आंखों को लाल करके माँ के पास गए और माँ को बोला, माँ वो मेरा बॉस है ना, मुझे 750 का समझता है, माँ मैं 750 का लिखता हूं तेरे को। तो मेरी माँ ने कहा, सिर पर हाथ रखे, तू तो करोड़ों का है। क्या बोल दिया उसने, मेरी ही माँ ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी है, सभी की ऐसी होती है ना। चढ़ा दिया, जो ही मेरी माँ ने कहा तू तो करोड़ों का है, पिताजी पीछे से टपक पड़े। पिताजी ने कहा, माँ बेटे मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो, नौकरी छोड़ने की तो प्लानिंग नहीं कर रहे हो। नौकरी तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा, छोड़ने नहीं दूंगा, करनी पड़ेगी। मुझे पता चला है कि तेरी 750 सैलरी है, इसलिए तू नौकरी छोड़ना चाहता है, नौकरी तुझे करनी है, तेरी ये पहली सैलरी है बाबू, ये तेरी कोई अंतिम इनकम थोड़ी है जो तू शोक मना रहा है, दिस इज योर फर्स्ट इनकम। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि तू अभी कहां है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुझे जाना कहां है। वहां से मेरे सारे स्टेटस डाउन हो गए और 750 की नौकरी को मैं कंटिन्यू करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन आम आदमी की तरह मैं काम नहीं करता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता था, जिस भी काम के पीछे पड़ता था उस पर पूरा काम करता था। मेरे सारे कलीग अपने काम को रात को 8 बजे समाप्त करते थे और मैं अपने काम को 5 बजे ही खत्म कर लेता था। जब हम काम से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आम आदमी क्या करते हैं, जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आम आदमी फेसबुक खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, लोगों से चैट करते हैं, बातें करते हैं, चाय पीते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म देख लेते हैं, ऐसा ही आम आदमी करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं 5 बजे फ्री होकर बॉस के ही चेंबर में जाता था। बॉस कहता था, क्यों आया, मैंने कहा सर काम खत्म हो गया। इतना जल्दी, मैंने कहा सर हो गया, चेक कर लो। अच्छा बड़ा जल्दी किया, ठीक है फिर मेरे काम में हाथ बटा दे, और वो उसके काम मुझे बताने लगता, इस फाइल को यहां जमा कर दे, इस पेपर को इस फाइल में लगा दे, और मैं बॉस के फाइल जमाने में लग जाता। बॉस सोचता था कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं फ्री हो गया, जबकि मैं वहां इसलिए गया था कि मैं ये जानना चाहता था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस है। क्या जानने क्या था? मेरा बॉस ऐसा करता क्या है कि मेरा बॉस है। अब बॉस जब भी हाथ में कैलकुलेटर लेता था, मैं अपनी गर्दन को निकाल लेता, वो किसी को भी किसी से मल्टीपल करके जब डिवाइडेड करके आंसर लिखता था ना, तो मैं बोरा घूर के देखता था कि कर क्या रहा और वो आंसर को किस जगह पर लिखता है। 10 दिन तक लगातार देखने से मुझे पता चलता है कि ये बॉस करता क्या, और 10 दिन बाद मैं अपने बॉस को ये ऑफर दे देता कि बॉस आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा दिमाग है, इतनी बड़ी डिग्री है, क्या छोटे मोटे काम करते हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो बॉस कहता था, ये छोटा मोटा काम नहीं है, कंपनी टिकी है। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं कौन किस पे टिका है, लेकिन मुझे पता है कि जो आप कर रहे हैं मैं कर सकता हूं, करके बताऊं, करके बता। 3 एंट्री करता था, बॉस एकदम खुश, बॉस को लगता है ये तो कर सकता है। अब बॉस अपना सारा काम मुझे बता देता और वो खुद घूमने चला जाता। बॉस को इंक्रीमेंट मेरी वजह से लगते थे, बॉस मेरा फेवर करता था, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मुझे देता था, और इसके साथ कभी 100-500 रुपए उधार मांगता था तो तुरंत देता था, सबके सामने मुझे हमेशा शाबाश कहता था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी,
बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता था। क्यों? काम कौन करेगा? छुट्टी नहीं देता। एक दिन ना मैंने गुस्से में बॉस को कहा, बॉस प्लीज 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 मैं आज लंच के बाद नहीं आ रहा हूं, मतलब नहीं आ रहा हूं, आप कितनी भी बार बोलेंगे मैं नहीं आऊंगा। तो बॉस ने कहा क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा मेरी लास्ट डेट है, बच्चे की स्कूल की फीस जमा करानी है, मैं नहीं आऊंगा। बॉस ने कहा तेरी फीस मैं जमा करा दूंगा, तू आएगा। अब मेरा बॉस मेरे काम करने लगा और मैं बॉस के सारे काम करने लगा। धीरे धीरे तो इतना जोरदार काम हो गया कि मेरी बीवी मुझे सब्जी की लिस्ट देती थी, मैं बॉस को दे देता था। बॉस सब्जी मंडी सब्जी खरीदने चला जाता था और मैं बॉस के काम करने लग गया। धीरे धीरे एक एक डिपार्टमेंट हेड को मैंने अपना बना लिया। दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन तुम रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी अपलाइन तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगी। और जिस दिन अपलाइन फिदा हो गए ना तुम्हारे ऊपर, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टॉप पर जाने से रोक नहीं सकती। आशीष जी ने आज जिम्मेदारी ली कि यहां पर आयोजन किया जाएगा सेमिनार में। आप ऐसी माहौल में यहां पर बैठे हैं। एक व्यक्ति जिसने 2 महीने पहले अपनी जेब के पैसे देकर इस हॉल को बुक कराया, साउंड वाले से बात की, अपनी एक टीम बनाई, टीम को कायम अपॉइंट किया और सारे काम लेकर मुझे एयरपोर्ट लेने आ गए। आशीष जी कोई स्पेशल पीवी मिलने वाला है आपको इसका? नहीं सर। 10-20 हजार का चेक बढ़ेगा इस बात से? नहीं। लेकिन इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मुझे तो याद करा दिया कि मेरा नाम आशीष कुमार है। बाकी तो हो सकता मैं इनका नाम भी नहीं जानता था। अब इनके पास मेरे नंबर है, मेरे पास इनके नंबर है। अब जीवन में न मैं इनको समस्या में फंसने दूंगा, न मुझे गुड़गांव में कभी ये समस्या में फंसने देंगे। अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब ऐसी बातें ऐसे कंफ्यूजन ये मेरे से और इनकी अपलाइनों से पूछ सकते हैं क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना तो दुनिया की सारी अपलाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति को तो ढूंढ रही है। राइट। तो मैं इतना रेस्पॉन्सिबल था कि 3-3.5 साल में मेरी सैलरी 3,500 हो गई। तब तक मेरी कंपनी का मालिक मेरा नाम भी नहीं जानता था। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, उसको समझना। साढ़े तीन हजार की सैलरी के बाद अगर मैं अपने बॉस को खुश कर सैलरी मांगता तो बॉस अब मुझे नहीं देता क्योंकि 4,000 उसकी थी, उससे आगे तो मुझे जाने नहीं देता कभी भी। तो अब मुझे उसकी भी अपलाइन से मिलना जरूरी था। राइट। यानी हमारी अपलाइन अब हमारे से बराबर आ गई और आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब संपर्क अब आगे करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे को आगे नहीं जाने देगा। क्योंकि कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप विधायक के चेले हैं तो विधायक से नीचे के चुनाव लड़ेंगे, तब तक विधायक बहुत साथ देगा। लेकिन कभी विधानसभा का चुनाव लेने के लिए टिकट लेना चालू कर दिया तो वही लंगी मारेगा सबसे पहले। राइट। तो एक दिन हमने 15 दिन की छुट्टी ले ली बिना नोटिस के। 15 दिन की छुट्टी ले ली तो सबका काम डिस्टर्ब हो गया पूरी कंपनी, क्योंकि काम तो हम करते। उसी दौरान कंपनी का मालिक आ गया ऑफिस में, सबको मैनेजर को बुलाया और कहा रिपोर्ट दो। तो सारे मैनेजर ने कहा रिपोर्ट नहीं मिल सकती क्योंकि मुकेश कोठारी छुट्टी पर है। उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया कि हमारा काम मुकेश कोठारी कर रहा है और वो छुट्टी पर है। तो सुपर अपलाइन को क्या लगा कि साले इन सारे बंदरों का काम वो कर रहा है और उसके बिना ये रुक जाते हैं, तो उसको लेकर आओ सबसे पहले। उसने कहा कि तुरंत मुकेश कोठारी को लाओ। वो कह सर छुट्टी पर है। नहीं, घर पर जाकर लाओ। 4 मुस्टंडे हमारे घर पे भेज दिए और चारों पहलवान ने हमें कहा मुकेश तुम हो? मैंने कहा मैं हूं। चलो मालिक ने बुलाया है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा सर क्योंकि मैं 15 दिन की छुट्टी पर हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं, कोई आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, पूछ रहे हैं चल रहे हो कि उठा के ले चले। हमें गाड़ी में बिठाया और बॉस के कंपनी के मालिक के चैम्बर में ले गए। मालिक दूर से ही देखकर कहता अच्छा तू मुकेश कोठारी है? मैंने कहा सर मैं ही मुकेश कोठारी हूँ, क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा सर नहीं आना तो बहाना है, असल में नौकरी छोड़नी है, सैलरी नहीं परवड़ती।
बॉस ने कहा अच्छा पैसों का मामला है, मैंने कहा हाँ सर मामला तो वही है, चल चल कल से आ जाना 4000 कर देंगे। क्या बोला उन्होंने? कल से आ जाना 4000 कर देंगे। मैंने कहा 7 और 100% इंक्रीमेंट लगा, 100 बॉस से भी ऊपर। हेलो, रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे कोई रोक नहीं पाए। नौकरी के दौरान भी हम उल्टे पुल्टे काम करते थे। 1999 में हमारी सैलरी थी 13000 बेसिक, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9998 होती थी जब हम 13000 कमाते थे। हमारे बॉस की सैलरी थी 17000, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं था मैं। उल्टे पुल्टे काम करना मेरी आदत थी, मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मेरा जन्म हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ और करना है। इसलिए कंपनी मुझे टूर पर भेजती थी, कभी दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता चेन्नई मार्केटिंग टूर पर, तो मैं वहां पर अपने काम को 7 बजे खत्म करके घूमने निकल जाता था। मेरे सारे कलीग मेरे सारे दोस्त 7 बजते ही ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे। इस चीज का ढक्कन खोलते थे बताने की जरूरत है गुरुग्राम में? बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है। वो सब लोग ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे और मैं 50 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी करता था। समझना है यहां पर, 50 रुपए ले जाता था हाथ में और देखता था ऐसा कौन सा टैक्सी ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर है जो शकल से पढ़ा लिखा लग रहा है, उससे दोस्ती कर। और मैं उधर उधर घूमता, जो ही मुझे कोई अच्छा सा आदमी दिखता मैं उसे 50 रुपए देकर पहला इंप्रेशन देता, मेरा पहला इंप्रेशन देता ताकि वो दोस्त बने। मैंने कहा सर ये 50 रुपए लो, कलकत्ता में नया आया हूं, मुझे थोड़ा घूमा दो। वो कहा कहाँ घूमना है बाबू? मैंने कहा सर ये तो पता नहीं है, आप जहां घुमा देंगे वहीं घूम लेंगे। वो देखता यार आदमी ठीक है, बड़ा भोला आदमी आया है, है ना? वो कहा ठीक है बाबूजी बैठो। मैं पीछे बैठ जाता और अब मैं उससे बात करना चालू करता। मेरा उद्देश्य घूमना नहीं था, मेरा उद्देश्य तो दोस्ती करना था। मैं उससे पूछता था तेरा नाम क्या है, तू तो कौन से गांव का है, तू तो कितना पढ़ा लिखा, तू तो ऑटो क्यों चला रहा है, तू तो ऑटो ही क्यों चला रहा है, तू तो इस गांव में क्यों चला रहा है, तू तो इसी गांव में क्या चला रहा है, क्या मजबूरी थी तेरी इतने पढ़े लिखे होने के बाद तू ऑटो चला रहा है। जब हम किसी के दर्दों को खुदेड़ते हैं ना, तो दुनिया में 95% लोगों की प्रॉब्लम है उनके दर्द को कोई सुनना नहीं चाहता। तो उनके दर्द को सुनो, 1 सेकंड में दोस्त बनेंगे, क्योंकि कोई सुनता नहीं है उसकी। हम उसकी बातें सुनते थे, वो पूरी स्टोरी सुनाता था। ऐसा था जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मर गए, फिर वहां पर ये हो गया वो, मैं लगातार टुकुर टुकुर सुनता रहता था। जब मैं सारी बात सुनता था ना, तो उसे लगता था कि ये मेरा यार है, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक रिश्ते बनेंगे नहीं। सुनना क्या, जब तक लोगों को सुनोगे नहीं तब तक रिश्ते डेवलप होंगे। जब मैं उसको सुनता था ना, तो थोड़ी देर बाद वो इतना इमोशनल हो जाता था, मुझे यार यार कहना चालू कर देता था। 1 घंटे में हम पानी पूरी खाते थे कंधे पर हाथ डाल के एक दूसरे के, इतनी गहन दोस्ती होती है। और दोस्ती होती है तभी राज निकलते हैं, दोस्ती होती है तभी राज निकलते हैं। अनजान व्यक्ति को आप अपने घर की कहानी बताते हैं क्या? और तुम बिना दोस्ती करे ही प्लान बता देते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर ही शंका कर रहा है तुम किस प्लान की बात कर रहे हो, तुम्हारी प्लान को वो सुनेगा भी नहीं। अरे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो कि मैं तुम्हारे हेल्प करना चाहता हूं, मेरा बिजनेस महत्व नहीं रखता, मैं दोस्त बनाना चाहता हूं। और जब दोस्ती कर लोगे ना, तो सामने वाला फिर आपके प्लान को भी इग्नोर कर देगा, वो ये कहेगा कि मुझे इसके साथ रहना है। अब मैं जब उसकी सुनता था तो वो मुझे राज की बात बताता था, भाई एक बात बताऊं? मैंने कहा बता। हमारे यहां पर एक इंपोर्टेड मार्केट है मनीष मार्केट, जहां पर इंपोर्टेड आइटम आते हैं, दूर है लेकिन आपको ले जा सकता हूं, चलोगे? मैंने कहा चलेंगे सर, पैसे तो अब ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं आपसे पैसे लूंगा क्या, तो मेरा यार था, अब मेरे से पैसे वैसे नहीं लेता था, वो तो दोस्त था।
अब वो भी काम छोड़ता मेरे साथ घूमने चला जाता मनीष मार्केट 24 किलोमीटर दूर ले जाता। अब मैं मार्केट में घूमता, सब लोग मार्केट में वही आते थे जिनको सामान लेना होता था, और मैं ही इकलौता ऐसा आदमी था जिसको पता ही नहीं कि लेना क्या, और हम मार्केट में घूमते थे। ग्राहक और दुकानदार किसी सब्जेक्ट पर बात कर रहे, हम पास में जाके खड़े होते केवल उनकी बात सुनते, ये कौन से आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। हम पूरे मार्केट में एक ही बात पता लगाने की कोशिश करते थे, ऐसी कौन सी चीज मिलती है यहां पर जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलती, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं यहां से उठा के ले जाऊंगा और भीलवाड़ा में बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा, बेच दूंगा। दिमाग में फिक्स होता था, भैया कभी 4,000 का सीडी प्लेयर लाकर 5,000 में बेच देता था, 200 रुपए की हेनरी हिल की शर्ट आती थी, 100-100 शर्ट एक साथ ले जाता था और 250-250 रुपए में बेच देता था। भीलवाड़ा में ऐसी चीज जो नहीं मिलती वो मैं ही लाता था, और भीलवाड़ा में मेरे सारे ग्राहक एकदम फिक्स हो गए। भीलवाड़ा के जितने भी करोड़पति लोग थे ना, वो सब मेरे परमानेंट कस्टमर थे। और मजे की बात है, मेरी दुकान थी ही नहीं, मेरी दुकान थी ही नहीं, लेकिन कस्टमर मेरे पक्के थे, और सारे कस्टमर पक्के थे, लेकिन किसी कस्टमर को यह पता नहीं कि मिलता क्या। फिर भी मेरी दुकान हिट थी, क्योंकि अमीर लोग अमीर दिखना चाहते थे, इसलिए वो ऐसी चीज चाहते थे जो दुनिया के पास ना मिले, और वो मेरे पास ही मिलती थी। 12-13 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता था 13,000 की नौकरी के साथ, 17,000 बॉस की इनकम, मेरी इनकम 26,000। सब कुछ जीवन में ठीक था। एक दिन अगस्त का महीना, शनिवार का दिन, सन 2000, रात को 8 बजे अपनी कॉपीज का काम खत्म करके अपने स्कूटर की चाबी को मैंने यहाँ लगा दिया। मेरे पास स्कूटर था LML वेस्पा 150 NV, कंपनी इधर उधर जाने के लिए कार प्रोवाइड कराती थी, और हमारे पास अपना पर्सनल स्कूटर था, थाने है अभी भी है, अभी हम उसका मंदिर बना रहे हैं। 25 करोड़ रुपए का मकान बन रहा हमारा भीलवाड़ा में। कितने करोड़ का? 19 करोड़ का तो प्लॉट है, भीलवाड़ा के प्लेटफॉर्म के बराबर हमारा मकान है, और मजे की बात है कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास में, बिल्कुल हार्ट ऑफ द टाउन में, जहां पर जॉगिंग ट्रैक से लगाकर, हमारी झोपड़ी से लगाकर, ऑडिटोरियम से लगाकर, अपने ऑफिस से लगाकर, यूट्यूब स्टूडियो से लगाकर, हमारे मकान तक सारी चीज एक कैंपस में, वहां पर मंदिर बना रहे हैं स्कूटर महाराज का। भीलवाड़ा कभी आए आरसी वर्ड दर्शन करने तो हमारे मंदिर में भी आना, दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है, आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। स्कूटर के पीछे की बहुत लंबी कहानी, अगर स्कूटर नहीं होता तो हम यहाँ पर होते ही, छोड़िए कभी मिलेंगे तो स्कूटर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अपने स्कूटर की चाबी को यहाँ डाल के विष्णु भगवान की तरह चक्र घुमाते हुए गाना गाते गाते हम स्कूटर की तरफ जा रहे थे। शनिवार के दिन वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश रहता है कर्मचारी, और कर्मचारियों की नगरी है गुरुधाम, तो आपको सबको ही पता है कि शनिवार के दिन सारे कर्मचारी क्यों खुश रहते हैं। कल कोई बॉस नहीं है तो कल तो छुट्टी है, हमारे हिसाब से करेंगे। तो मैं बड़ा खुश ऐसे प्रसन्नचित्त मुद्रा में स्कूटर की तरफ जा रहा हूं, तभी पीछे से आवाज आई, चलते चलते आवाज आई, मुकेश। हमने यूं घूम कर देखा, हमारा चक्र रुक गया और हम स्टेचू बनकर खड़े हो गए। हमारा बॉस हमारी तरफ दौड़ कर आ रहा था, और हमें एहसास हो रहा था कि ये संडे खराब करने की प्लानिंग लेकर आ रहा है, ये कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। मेरे नजदीक आकर मेरे बॉस ने कहा, मुकेश 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 तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अरे भाई तू जो करता है सही करता है। मैंने कहा, सर आप बताइए ना मैं करता क्या हूँ? उन्होंने कहा, नहीं तू बिजनेस करता है ना? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, इसको कैसे पता चला कि मैं बिजनेस करता हूं? मैंने तो कंपनी के अभी तक एक भी आदमी को माल नहीं बेचा इस डर से कि बॉस को पता ना चल जाए, और बॉस क्या कह रहा तू बिजनेस करता। मैंने कहा, सर वो तो यूं 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 ये सब कर रहा था, तभी बॉस ने कंधे पर हाथ रखे, कहा नहीं 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 कोई बात नहीं, तू बिजनेस करता तो मुझे कोई तकलीफ थोड़ी है, तूने कभी कंपनी को डिस्टर्ब नहीं किया तो मैंने भी तुझे डिस्टर्ब नहीं किया, तूने तुम्हारा काम ईमानदारी से किया तो मैंने भी तुम्हारे काम में परेशानी नहीं की, और तू जो तो बिजनेस करता ना सही करता है, और मुझे लग रहा है कि बिजनेस मुझे भी करना पड़ेगा। मैं एकदम खुश हुआ, मैंने कहा अगर ये भी बिजनेस करेगा तो फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, मैं कंपनी के आदमी को भी माल बेच दूंगा। मैं तो एक ही चीज सोच रहा था कि मेरे को तो मेरा काम चलना चाहिए। तभी बॉस ने कहा
कि भाई सैलरी तो परवर्ती नहीं, पैसा तो मुझे भी कमाना है और मुझे लग रहा है कि बिजनेस ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरे खानदान में कभी किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, किसी को बिजनेस करना आता ही नहीं और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि बिजनेस किसका करूं। 6 दिन पहले मेरे दोस्त मेरे घर पर आए थे, वो पंखुड़िया बनाकर कोई बिजनेस बता रहे थे और कहते थे कि इसमें लखपति बन जाएगा, लेकिन मैंने तो कभी बिजनेस किया नहीं तो मुझे पता ही नहीं कि करूं कि नहीं करूं। तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा क्या कह दिया, मेरा भाई है मुकेश कोठारी, वो 6ठी क्लास से बिजनेस करता है, उसको लेकर आऊंगा और उसको जाकर बताना प्लान, अगर वो कह देगा कर ले तो मैं कर लूंगा। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूं मैं आपको, अगर मेरा बॉस मुझे कहता ना चल तेरे को बिजनेस समझाता हूं तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता और मैं क्या कहता हूं, तू मुझे बिजनेस बताएगा, मैं 6ठी क्लास से करता हूं। तुम भी 10 आदमी को इनवाइट करते हो, एक नहीं आता, खुद आकर बैठ गए यहां पर, क्यों? क्योंकि इनविटेशन ही नहीं आता, सबको एक तरीके से इनविटेशन दे देते हो, कैसे फ्री होता है इनविटेशन? इनविटेशन में सबसे पहले सामने वाले की कमजोरी को समझना पड़ता, ये जीवन में चाहता क्या। एक लखपति आदमी को बोलोगे लखपति बन जाएगा तो इस बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि वो लखपति है, वो इस बिजनेस को करे तो उसके लिए उसे सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी। क्या समझाना पड़ेगा? कि कोरोना आएगा तो सब कुछ डूब जाएगा और आरसीएम में कोरोना आएगा तो बिजनेस डबल हो जाएगा, सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी। एक स्टूडेंट जो करियर की तलाश में है उसे करियर समझाना पड़ेगा। एक महिला जिसका पति 2 लाख रुपए कमाता है ना, उसको आत्मनिर्भरता सिखानी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और उस तरीके से आप इनविटेशन देंगे तो रिजल्ट आएंगे सबसे ज्यादा। मेरी अपलाइन ने मेरे ईगो को हर्ट नहीं होने दिया, उसने क्या बोला, मेरे को करना है बिजनेस, तू आके समझ और अपनी राय दे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने कहा हेल्प करेगा, मैंने कहा सर क्या बात कर दी, आपकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, आपकी करेंगे। तो बॉस ने कहा ठीक है फिर 10 बजे आ जाना, मैंने कहा सर आ जाऊंगा। सुन लेट मत हो जाना, 10 बजे ही आना, क्योंकि अगर तू लेट आया और कुछ समझने से चूक गया तो जिसमें तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जा। मैंने कहा सर क्या बात करेंगे, आपके जीवन को खराब होने देंगे, हम 5 मिनट पहले आएंगे और आपके आदमी अभी तक भी आ रहे हैं, हम मीटिंग में 5 मिनट पहले आए भाई साहब, पहली मीटिंग में 5 मिनट पहले, हॉल में कोई नहीं था, हम पहले आके बैठ गए सबसे पहले। दूसरी बात मेरे अपलाइन ने क्या बोली सुन, पेन डायरी लेते हुए आना। मैंने कहा सर क्यों, अरे कैलकुलेशन का मामला है भाई, बिजनेस का मामला है, कुछ कैलकुलेशन को लिखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर तू कुछ भूल गया तो तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर पेन डायरी भी लेते हुए आएंगे। तीसरी बात बोली सुन, पीछे जाकर मत बैठना, समझ में कुछ नहीं आता, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो तेरा क्या जाएगा, इसलिए आगे आकर बैठना। भाई साहब मैं पहली सीट पर आके बैठा आगे आगे और 5 मिनट पहले, और आपके आदमी तो भाई साहब मनवार करने से भी नहीं आ रहे, हम 5 मिनट पहले आके बैठ गए और अपने आप को एकदम टाइट करके पेन डायरी लेकर एनालिसिस की तरह बैठ गए। मैंने कहा ये जो बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, ये बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा और फिर बता दूंगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तभी थोड़ी देर में एक कार्टून आया जिसमें गर्मी में सूट पहन रखा था नॉन एसी हॉल में, मेरी तरह ऐसे सूट पहन रखा था, राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, आग लग रही है, इतनी गर्मी में इसने कोट पहन रखा। मैं फुल कंफ्यूज उसको देखते, मैंने कहा यार कौन सी पृथ्वी का आदमी है, इसने कोट पहन क्यों रखा और इसको सर्दी लग क्यों गई। उस समय क्या गूगल नहीं होता था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, अभी के बच्चे के पास तो गूगल होता है, तुरंत वो पूछ लेता है कोई भी सवाल का जवाब। हमारे समय में तो जो पड़ोसी होता था वही गूगल होता था,
तो पड़ोसी से ही पूछना पड़ता था। मैंने अपने पड़ोसी को धीरे से हाथ लगाया और पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ। कब पूछो, मैंने आप बता सकते हैं कि ये आदमी जो सामने खड़ा है सूट पहन के, इतनी गर्मी में इसको सर्दी क्यों लग रही है? तो मेरे पड़ोसी मुझे देखकर मुस्कुराता है और कहता है एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। 10 मिनट से मैं भी यही सोच रहा हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी भी मेरे जैसा है। हमें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब हमारे पड़ोसी हमारे जैसा होता है। ठीक है, जैसे आप किसी से पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, क्या हालचाल है, तो सामने वाला कह रहा बस चल रही है, कट रही है, गुजर रही है, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी कट रही है और मेरी भी कट रही है। किसी को भगाना है तो तरीका बताऊं, जैसे कोई आपको बोले हेलो क्या हालचाल है, तो ऐसे आंखें बंद करके बोलना झकास बिंदास मजा आ रहा है, जीवन का आनंद आ रहा है। आंखें खोलोगे तो नजर ही नहीं आएगा, कहां गया वो, भाग जाएगा, तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे आदमी के पास भी नहीं जाना। ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? सब आदमी अपने जैसे आदमी चाहते हैं, झकास बिंदास वाले को कोई नहीं चाहता। पानी की बोतल थी ना यहां? थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या है कि पानी पीना भूल जाता हूँ, डॉक्टर ने कह रखा, तो आप मुझे 10-15 मिनट में याद दिलाते रहे। धन्यवाद। अब पहला कार्टून थक थका कर चला गया, समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहता। तभी दूसरा कार्टून आ गया, उसने भी कोट पहन रखा। आते ही कहता भाई और बहनों बजाओ ताली। मुझे एकदम गुस्सा आया, मैंने कहा ताली क्यों बजाऊं, किस उपलक्ष में बजाऊं, और मैंने ताली नहीं बजाई, एक भी ताली नहीं बजाई। जिन भी साथियों ने अभी तक ताली नहीं बजाई, मेरी कैटेगरी के आदमी 100% वहीं पर जाएंगे जहां पर मैं, क्योंकि ताली बजाने से कुछ होता ही नहीं है, यह समझाना चाह रहा हूं। आप सोच रहे कि ताली नहीं बजाएंगे तो क्या होगा, ताली नहीं बजाएंगे तो भी आ सकते हैं, कोई ताली बजाने से थोड़ी आया यहां तक कोई। दूसरा आदमी भी पता नहीं क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। फिर तीसरा कार्टून आ गया, मेरे आने से पहले भी यहां कई तरह के कार्टून आए होंगे, सभी जगह आते हैं, उस दिन भी आ रहे थे। तीसरे नंबर का कार्टून आया, वो कहता है भाई और बहनों इस शख्स को जो आपके सामने खड़ा है, इसको अगले महीने 500 रुपए आने वाले हैं, बजाओ ताली। 3 दिन कंपनी को चालू हुए थे, उसने 2-3 आदमी को ज्वाइन कराया होगा, उससे कुछ माल बिका होगा, उससे कमीशन आने की कोई संभावना बनी होगी, और उसने कहा आने वाले हैं बजाओ ताली। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अच्छा आना है इसको और ताली बजाऊं मैं, अरे इसको आने वाला है तो इसकी बाप बजाएगा ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली, इसका चाचा बजाएगा ताली, इसकी बुआ बजाएगी ताली, 500 इसको आएगा ताली मैं बजाऊंगा, नहीं बजाऊंगा, और मैंने ताली नहीं बजाई। तभी 4th नंबर का कार्टून आया, वो कहता भाई और बहनों मैं अब आपके सामने बुला रहा हूं इस सदी के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहाँ सबसे लास्ट में कौन आया? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, आई लव यू। जो भी बड़ा कार्टून होता ना वो लास्ट में आता है, ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैं कार्टून कह रहा हूं ना, आज मेरे भगवान है, वो ईश्वर है, अल्लाह है, देवता है, इतनी सारी बात करने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं उनके जूतों की कील की बराबर भी नहीं। मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन श्रीमान बीसी चावड़ा जी, श्रीमान प्रहलाद राय जी। बीसी चावड़ा जी स्टेज पर आए 22 साल पहले, एकदम यंग डायनेमिक लगते थे, बड़े से सुंदर लगते थे और वो मुस्कुराते रहते थे। मुझे लगता था कि ये आदमी ठीक आया, ये बताएगा कि बिजनेस क्या करना है। लेकिन थोड़ी देर तो वो मुस्कुराते रहे, फिर 2-3 उन्होंने डायलॉग बोल दिए, डायलॉग बोलते बोलते उन्होंने कविता बोल दी, और भैया उनके पास शब्दों का इतना ज्ञान है कि वो जब बोलना चालू करे ना तो इतने तो उनके पास वर्ड है, इतनी सारे ज्ञान है कि किस शब्द को किस में घुसा कर कहाँ से निकाल ले किसी को पता ही नहीं चलता, इतना तो बोलने में वो होशियार है। और भाई साहब
वो क्या बोल रहे थे वो तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो बोल रहे थे उसमें बहुत मजा आया और मैं उनको देख देख के थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगा, बहुत रिलैक्स हो गया, मुस्कुराने लगा। तो जब मैं मुस्कुराता था ना तो मेरा बॉस मुझे देखकर एक सेकंड बाद वो मुस्कुराता था। मुझे क्या लग रहा था कि बॉस के पास दिमाग कम है, भाई मेरे को समझ में आ रहा था उसी समय समझ में आ रहा चाहिए, इसको एक सेकंड बाद में क्यों समझ में आ रहा था। बाद में पता चला कि वो समझ रहा था कि हंस गया मतलब फंस गया। बीसी चावड़ा जी बोलने लगे, धीरे 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 गई भैंस पानी में, मैं तो भूल ही गया कि मैं आया क्यों, मैं किरदार में खो गया, किरदार में खो गया। तो मैं तो हंसने लगा, चिल्लाने लगा, सीटियां बजाने लगा, इतना मस्त हो गया कि डायरी को मैंने साइड में रख दी, उछलने लगा। किरदार में खो जाना किसे कहते हैं, जब वो तुम्हें ओरिजिनल जिंदगी से बाहर निकालकर अभी वर्तमान की लाइफ को भुला दे, उसे कहते हैं किरदार में खो जाना। हमारी बहनें जब फिल्म देखने जाती है और किरदार में जब खो जाती है तो फिल्म में ही रोना चालू कर देती है, सुनो वो क्या है, फिल्म के अंदर घुस जाती है और वो भूल जाती कि फिल्म चल रही है। और हमारे कुछ इमोशन वाले भाई हैं, विलेन गड़बड़ करता है तो गुस्सा बार बार उनको आता है, वो उठ उठ कर विलेन को मारने जाते हैं, उसको कहना पड़ता है रुक रुक फिल्म चल रही है, रुका जा रहा है। उसे कहते हैं किरदार में खो जाना। और मैं इतना किरदार में खो गया कि मैं तो उछलने लगा, चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद पड़ोसी ने बताया कि सेमिनार खत्म हो गई है, मुझे लगा कि इसके बाद दूसरा कार्टून और आएगा। मैंने कहा खत्म हो गई, कहा हाँ खत्म हो गई। तो मैंने डायरी की तरफ देखा, वो तो खाली। अब बॉस को क्या बताऊं, करना है कि नहीं करना, क्या करना है ये तो पता ही नहीं अभी तक। मैंने कहा अभी बॉस मेरे पास आएगा और मेरे पास आकर पूछेगा करूं कि नहीं करूं। भैया थोड़ी गेंद बढ़ा सकते हैं क्या, गला पकड़ रहा मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने कहा अभी बॉस सबके सामने आकर मुझे डांटेगा, सबके सामने इंसल्ट कर देगा, तो इससे अच्छा है कि चुपचाप यहां से खिसक जाएं, क्योंकि डायलॉग ही सुनना है तो अकेले जाकर केबिन में सुन लेंगे, सबके सामने क्यों सुनना। तो मैंने डायरी को लगाया बगल में और भागा स्कूटर की तरफ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो हमें यहाँ लेकर आता है ना, उनके दोनों मूविंग कैमरे हमारी तरफ ही होते हैं। जो नए आदमी हैं, तुम टॉयलेट करने जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा जो तुम्हें लेके आया, ऐसे थोड़ी जाने देगा। तो हम बाहर निकले तो पीछे पीछे वो भी आ गया। मेरा बॉस मेरे पास आके कहता कैसा लगा, मैंने कहा अच्छा लगा सर, मजा आया कि नहीं आया, मैंने कहा सर बहुत मजा आया, अगली बार एक कार्टून आए तो मुझे बुलाना, मैं फिर आऊंगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि करना है कि नहीं करना। मैंने सोचा कि शायद बाद में कभी ऑफिस में बात करेगा, ठीक है कल मिलते हैं। तो अगले दिन मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस में गेट कीपर मुझे क्या बोलता है, सर आपके चेंबर में जाने से पहले बॉस से मिल के आना, बॉस ने आपको याद किया है। हम बॉस के चेंबर की तरफ गए तो बॉस ना हमें दूर से देख के कहता, अरे कोठारी इधर इधर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आओ आओ। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 साल में। गुड मॉर्निंग, वेलकम, ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द मेरे पूरे लाइफ में मैंने सुने नहीं थे बॉस के मुंह से। बॉस तो हमेशा कहता था नाक कटा दी इस सालों तुमने, और आज मेरा क्या वेलकम गुड मॉर्निंग, कुछ समझ नहीं आ रहा, खतरा नजर आ रहा। मेरी चाल एकदम धीरे हो गई, ऑफिस की तरफ बढ़ा, चेयर पे जाके बैठा, बॉस ने मुझे पानी की गिलास ऑफर की, मैंने पानी पिया। बॉस ने धीरे से पूछा कल मजा आया, मैंने कहा सर आपको बताया मैंने बहुत मजा आया, तो क्या मैं फाइनल समझ लूं कि मजा आया। मैंने कहा बिल्कुल आप समझ लो फाइनल, जो ही मैंने बोला फाइनल समझ लो, बॉस ने अपनी सीट के नीचे से काले कलर का बैग निकाला मुझे दे दिया, ये लो अगर फाइनल समझते हो तो ये ले लो। अभी तक भी इतना भोला आदमी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस बता रहा। मैं क्या सोच रहा हूं, अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली है, शायद कंपनी को एडवांस में गिफ्ट दे रही। तो मैंने बॉस को क्या बोला, थैंक यू सर, तो बॉस ने कहा थैंक यू की जरूरत नहीं, 1260।
इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 1260 रुपए की कंपलसरी परचेजिंग कपड़ों की करनी पड़ती थी मैंने जब इस बिजनेस को चालू किया। अभी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आने के बाद कंपलसरी नहीं है कि क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। तो वो उसने कहा 1260, मैंने कहा सर क्यों, वो कहा कल मजा आया ना। मैंने कहा सर मजे के कौन 1260 लेता है, मैं लेता हूं। मैंने कहा अभी गए 1260, अब कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बॉस में एक दो बहाने फेंके, मैंने कहा यहाँ बचने के कोई तरीका है। तो मैंने बॉस से कहा बॉस मैं 100% माँ की कसम आपको 1260 रुपये दे देता, लेकिन हम नौकरी वाले आदमी हैं, लास्ट डेट 28 तारीख चल रही है, 1260 रुपये जेब में मिलते हैं क्या, आप ही बताओ नौकरी वाले के 1260 रुपये जेब में मिलते हैं क्या। तो मेरा बॉस कहता एकदम सही कह रहा, मेरी जेब में भी नहीं है। क्या समझाना चाह रहा हूँ, डोंट क्रिटिसाइज डोंट कंडम। जब आप किसी नए आदमी को प्लान समझाते हैं ना तो क्रिटिसिज्म मत कीजिए। सामने वाला अगर पहले किसी कंपनी को करता है और तुम्हें कहता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को मैं करता हूँ, तो आपको ये नहीं कहना नहीं तेरे से बड़ी तो मेरी कंपनी है, ऐसा कह दोगे तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। तुम्हें क्या कहना, सर आप एकदम सही कह रहे हैं, आपकी जानकारी के अनुसार आप ही की बड़ी होगी, आपकी जानकारी के अनुसार आप ही की बड़ी। मेरा बॉस उस जमाने में समझता था, उसने क्या बोला, एकदम सही कह रहा, सारे नौकरी वालों की हालत बड़ी खराब होती है, नौकरी वालों का एक महीने को चार भागों में बांटा जा सकता है, एक तारीख से 7 तारीख निकलती है खुशी खुशी, क्यों सैलरी आती है, 1 तारीख से 7 तारीख निकलती है खुशी खुशी, 7 से 14 राजी खुशी, 14 से 21 कसा कसी, 21 से 28 फाका कसी, सारे कर्मचारियों की हालत एक जैसी, 2 लाख की सैलरी मिलने वाला आदमी को भी उसकी बीबी बोले ना 28 तारीख को ये लाना है, वो कहता 1 तारीख को लाएंगे, सभी पैसे को ठिकाने लगा चुका होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह में जमा करो करोगे उसका अकाउंट एकदम खाली रहता है लास्ट डेटों में हर कर्मचारी। तो मैं समझा कि बॉस कन्विंस हो गया अब 1260 रुपए नहीं लेगा। तभी बॉस ने एक पेन और कागज दिया, कहा इस पे साइन कर दे। मैंने कहा सर इस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है 1260 रुपए मेरी सैलरी से काट लिए जाए। और हाथ में पेन पकड़ा दिया। अब मैं सोच रहा हूं करूं कि नहीं करूं, सोचा कि नहीं करूं तो बॉस नाराज, अगर बॉस नाराज हो गया तो इंक्रीमेंट आधा, 2000 की जगह 1000 ही लगेगा, 1000 इंक्रीमेंट लगेगा तो 12 महीने का 12000 का नुकसान, 10 साल का 1,20,000 का नुकसान, 40 साल की नौकरी बची हुई है तो 5 लाख का नुकसान है, और इस पर ब्याज भी जोड़ दो तो 8 लाख का नुकसान है। मैंने तुरंत साइन कर दिया, मैंने कहा कौन पंगा ले 1260 के चक्कर में, साइन कर दिए। जूही मैंने साइन किए, बॉस ने डायरी में 4th नंबर पे मेरा नाम लिख दिया, मुकेश कोठा, लिस्ट ऑफ डाउनलाइन। अब मुझे ये पता नहीं कि पंगा इतना बड़ा हो जाएगा किट लेने से। अब बॉस के अंदर मुझे बहुत परेशान करता था, मेरे बॉस ने मुझे जो फॉलोअप समझाया दुनिया में इसके जैसा फॉलोअप कोई भी होता ही, मेरे बॉस ने एक ही बात मुझे फॉलोअप में समझाई है, एक आदमी का इतना फॉलो करो कि जब तक वो तुम्हें क्लियर कट मना ना कर दे कि मुझे करना ही नहीं है, जब तक वो बहाने बनाता है तब तक तुम फॉलो करते रहो, क्योंकि कब वो बहाना यस में कन्वर्ट होगा तुम्हें पता ही नहीं। तो मेरे बॉस ना रोज मुझे ऑफिस में कहता था, ज्वाइन किया उसके अगले दिन, मुकेश नौकरी 8 बजे खत्म हो जाएगी, फिर 8:30 बजे अपनी मीटिंग है मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, रात को 8:30 बजे सीधा वहीं चलना है अपन को, फिर घर पर जाएंगे, 1 घंटे की बात है। मैं जाता ही नहीं। अगले दिन मेरा बॉस कहता था क्यों नहीं आया, मैंने कहा सर तबीयत थोड़ी नरम दिख रही थी, लेकिन बॉस कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं करता था, वो कहा ओके कोई बात नहीं। अगले दिन फिर कहता था चलो ठीक है आ जाना 8:30 बजे, हम दूसरे दिन भी नहीं जाते थे, बॉस कहता था क्यों नहीं आया, मैंने कहा बीबी की तबीयत नरम थी। तीसरे दिन क्यों नहीं आया, मैंने कहा सर स्कूटर खराब हो गया था। चौथे दिन क्यों नहीं आया, मैंने मेहमान आ गए थे। रोज बहाने बनाते, 6 दिन तक गए ही नहीं।
सातवें दिन मैं क्यों फंस गया, क्योंकि मेरे बहाने खत्म हो गए। मेरा बॉस मेरे सामने रहता था, मैं उसके सामने रहता था, मैं ग्राउंड फ्लोर पे, वो फर्स्ट फ्लोर पे, उसके घर से मेरा घर एकदम क्लियर नजर आता था। तो संडे के दिन उस समय लैंडलाइन होता था, मुझे कॉल किया मेरे बॉस ने, मुकेश तेरा ड्रॉइंग रूम दिख रहा, कोई मेहमान तो नहीं आया। मैंने कहा सर मेहमान तो आज नहीं आया, तू स्कूटर पर सुबह दूध लेने गया, मतलब तेरा स्कूटर भी सही है। मैंने कहा स्कूटर भी सही है, तुम दोनों पति पत्नी सुबह वॉकिंग में दौड़ रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है। मैंने कहा हाँ तबीयत ठीक है, आ जाओ। फंस गया। समझाना ये चाह रहा हूं, सेमिनार में लाने से बिजनेस के डिसीजन किए जा सकते हैं, ज्वाइन करने के डिसीजन किए जा सकते हैं, लेकिन सेमिनार में आने से लीडर क्रिएट नहीं किए जा सकते। लीडर तब क्रिएट होते हैं जब मन की शंकाएं निकलती हैं, और मन की शंकाएं तब तक नहीं निकलती जब तक हम पूछते नहीं हैं। सवाल जवाब के इसी दौर को काउंसलिंग कहते हैं, और जब तक तुम काउंसल विद अपलाइन नहीं करोगे तब तक तुम लीडर बनने की सोचना भी मत, क्योंकि तैरना सीखना है ना तो भी काउंसलिंग ही करनी पड़ती है। एक आदमी जो पानी में कूदना चाहता है, तैरने के लिए गया है, फिर भी वो तैरना चाहता है, फिर भी वो पानी में कूद नहीं सकता क्योंकि डर लगता है। तो आप स्विमिंग के पास पहुंच गए, अब आपको कूदना, तो आपका कोच क्या कह रहा है, कूद, आपके तो नहीं कूदूंगा डूब गया तो आपका कोच क्या कहता है, 22 साल हो गए किसी को डूबने नहीं दिया। अच्छा क्या करना पड़ेगा, बस नीचे कूद और हाथ पैर हिला। सर हाथ पैर हिलाना भूल गया तो, अब चिंता मत करो मैं पकड़ लूंगा तुझे। और वो आप एक प्रश्न करते हैं वो एक आंसर देता है, आप एक प्रश्न करते हैं वो एक आंसर देता है, और जब सारे प्रश्न से कंफर्म होता है कि डूबने नहीं देगा तो हम कूद जाते हैं और वहीं से तैरना सीख जाते हैं। क्योंकि आपके जो डाउनलाइन में आदमी आया ना, उसको बाहर के राक्षसों ने पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा समझा दिया है। उसको लगता है कि ये तो वो लोग काम करते हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं होता, ये तो उनके लिए कोई काम है जो बेचारे बेरोजगार हैं जिनको कोई नौकरी नहीं दे रहा है, ये माल बेचने का काम है, ये लोगों के सामने जाकर गिड़गिड़ाने का काम है। ऐसी शंकाएं तुम्हारे दिमाग में चल रही है, और जब तक तुम ये प्रश्न पूछोगे नहीं तब तक आंसर मिलेगा नहीं, और आंसर मिल सकता है काउंसल विद अपलाइन के अंदर। जब मेरी काउंसल विद अपलाइन हुई तो मेरा नंबर आया, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा तू कुछ करता क्यों नहीं। मैंने कहा सर क्या करना है, अभी तक पता नहीं चला। मैंने कहा नहीं पता चला, सिंपल है। मैंने कहा बताओ, जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। ये क्या बोल दिया, एक दिन पहले वो ज्वाइन, एक दिन बाद में ज्वाइन, दोनों को बराबर ही आता था। उसने कहा जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। तो मेरे को थोड़ा डर लगा, मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर दिया मेरे साथ। तो मैंने कान में जाके धीरे से पूछा आपने मेरे साथ क्या किया। तो उसने कहा देख तेरे को मैं मीटिंग में ले गया, मीटिंग में तुझे मजा आया, मजा आया तो तेरे को किट दी, किट में था कपड़ा, कपड़ा बनाया कंपनी ने, खरीद लिया तूने, तुझे मिल गया डिस्काउंट, कंपनी की हो गई सेल, तुम दोनों को मिलाने में मैं काम आया तो मुझे मिल गया कमीशन, तू भी माल बेचेगा तो तुझे भी मिलेगा कमीशन। सुनी ये बात मैंने सुनी, मुझे बॉस पे ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस प्लीज प्लीज यार, आपको आपका स्टेटस पता नहीं है, भूल गए हो ठीक है, मेरे स्टेटस का तो ध्यान रखो। आप और हम मिलकर 1 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करते हैं सालाना, कितने करोड़ मीटर, 1 करोड़ मीटर, और आप मेरे से 3 जोड़ी कपड़े बिकवाना चाहते हैं। बॉस मैं इस काम को नहीं करूंगा, फाइनल कह रहा हूं आपको, और मेरे जिंदा रहते हुए आपको भी नहीं करने दूंगा। ये अपनत्व के लिए बोलना पड़ेगा कि मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा, ऐसा डायलॉग होता है समाज के अंदर। तो मैंने बॉस को कहा कि तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। तो बॉस ने कहा अच्छा सेल करने से शर्म आती है। मैंने कहा सर सेल करने से शर्म आती होती तो 1 करोड़ मीटर थोड़ी कपड़ा सेल होता। अगर बेवकूफ इसी गलत फहमी में जी रहा है तू, वो जो तू सेल कर रहा है तेरी थोड़ी कर रहा है, तू तो मालिक की सेल कर रहा है। जिसका सेल होता है उसे मिलता है प्रॉफिट, और जो सेल किसी और की करता है उसे मिलती है सेल। Thank you.
समझने की बात, अब समझना, यहां से आपका काम चालू हो गया। दुनिया में एक रुपया भी कहीं आता और जाता है, एक रुपए का भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसका फाइनल कंक्लूजन सेल होता है। लेकिन 90% लोग गलत फहमी में हैं। मैं तो मैनेजर हूं, कहां सेल कर रहा हूं। एक रेलवे का इंजीनियर आया, उसने कहा भाई साहब ये बनने बनाने का काम मेरे से नहीं होगा, मैं घर घर जाके माल नहीं बेच सकता क्योंकि मेरे से सेल नहीं होगी। मैंने कहा आप क्या करते हैं? मैं कहा रेलवे का मैनेजर हूं। मैंने कहा आप ही सेल ही तो कर रहे हैं। मैं कहां सेल कर रहा हूं, मैं तो मैनेजर हूं। मैंने कहा तेरा रेलवे क्या कर रहा है ये देख, तेरा रेल तो सेल ही कर रहा है ना, और सेल प्रॉपर हो सर्विस की इसलिए तुझे मैनेजर रखा, और तू सेल का सहयोगी है इसलिए ही तुझे सेल करने की री जिसको भी मिलती है वो सेल से ही जुड़ी होती है। एक आदमी कहता है मैं तो बैंक मैनेजर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं। तेरा बैंक क्या कर रहा है? बैंक तो सर्विस को सेल ही कर रहा है ना, तो बैंक के शेयर होल्डर का सेल हो रहा है तो शेयर होल्डर को मिल रहा है प्रॉफिट, और तू उनके प्रॉफिट के लिए सेल कर रहा है तो तुझे क्या मिल रही है? सैलरी। क्या मिल रही? बोलो सैलरी। सैलरी नहीं, सैलरी। एक आदमी कहता है सर सर मैं तो प्रोफेसर हूं, टीचर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं। तेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? वो तो रोज अखबार में कह रहा है 3 लाख रुपए जमा कराओ, आईएएस बना के ले जाओ। तुम उनको पढ़ाकर उसकी सेल में ही सहयोग कर रहा है तो तुझे क्या मिल रही है? तुम सेल लोगों की करेगा तो तुझे मिलेगा सैलरी, और सेल तू खुद की करेगा तो तुझे मिलेगा प्रॉफिट। क्या मिलेगा? यानी ईच एंड एवरी इस गुड़गांव के एक एक आदमी सेल में ही लिप्त है। तुम जिस कंपनी में भी मैनेजर हो वो कंपनी सेल पर ही लगी हुई है। अगर वो सेल करना बंद कर दे तो ये सारे मैनेजर और कर्मचारियों की सीटें गायब है। हेलो यस, तुम सब लोग सेल में ही सहयोग कर रहे हो, पर इतना है तुम उनकी सेल कर रहे हो इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, वो थोड़ी टेंशन ले रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। अगर अमीर बनना है तो सेल करनी पड़ेगी। दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो बिना सेल किए अमीर बन गया। टाटा सेल से अमीर, अंबानी सेल से अमीर, बिल गेट्स सेल से अमीर, एलोन मस्क सेल से अमीर, ये सारे वो लोग हैं जो सेल से ही अमीर हैं। मैं सोचा यार मैं कितना खुश नसीब हूं, मैं तो पहले ही सेल करता हूं, अपने आप का गर्व महसूस हो गया, मैं भी सेल अपना करता हूं। तभी मेरे बॉस ने क्या बोला, केवल सेल करने से कोई अमीर नहीं बन सकता। पहले क्या बोला? पहले बोला सेल करने से ही अमीर बना जा सकता है, अब क्या बोला केवल सेल करने से कोई अमीर नहीं बन सकता। सेल तो इस होल के बाहर कोने में केले वाला है ना, 15 साल से खुद के ही केले बेच रहा, लेकिन वो अमीर नहीं बना। इस गुड़गांव में राइट हैंड में जो किराने की दुकान है ना, वो 25 साल से सेल कर रहा है, वो अमीर नहीं बना। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि केवल सेल करेंगे तो अमीर बन जाएंगे। जब तक आप अमीर ना बनेंगे, जब तक आप एक दिमाग, दो आंख, दो हाथ और 24 घंटे में सेल करेंगे तब तक आप अमीर बन ही नहीं सकते। क्या बोला? रिपीट रिपीट कीजिए, क्या बोला? जब तक आप एक दिमाग, दो आंख, दो हाथ और 24 घंटे में सेल करोगे तब तक अमीर नहीं बन सकते। ये केले वाला अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि खुद ही ला रहा, खुद ही बेच रहा, ला रहा बेच रहा। कितना दिमाग उसके पास? आंखें कितनी है? हाथ कितने? टाइम कितना है?
अमीर नहीं, किराने वाला अमीर क्यों नहीं, क्योंकि वो भी यही कर रहा है। अमीर बनना है तो तरीका बताता हूं। जैसे किराने का व्यापारी है जो 2000 रुपए पर डे कमा रहा है, अब उसे 2000 रुपए पर डे कमा रहा है तो पूरे दिन में ग्राहकों को निपटा रहा है, उसके पास 24 घंटे हैं। एक समय में जो एक ग्राहक निपटाता उतना ही टाइम लगना है, यानी पूरे दिन भर वो काम कर रहा है, उससे आगे नहीं कर पा रहा। अगर उससे आगे जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 2 काउंटर और बनाने पड़ेंगे। पहले खुद काउंटर पर खड़ा था, अब इधर भी एक काउंटर, इधर भी एक काउंटर, दुकान बड़ी करनी पड़ेगी, दोनों काउंटर पर 2 कर्मचारी रखने पड़ेंगे, राइट। और कर्मचारी को ट्रेनिंग देकर कहना पड़ेगा तुम भी करो सेल, और तुम मेरी सेल करोगे तो मैं तुम्हें सेल। अब क्या हुआ, दोनों कर्मचारी ने सेल करना चालू कर दिया, 1,000 रुपए कमा कर दे रहे हैं और 500 रुपए आप सैलरी दे रहे हैं। तो 2000 पहले ही आप कमा रहे थे, अब इधर से 500 और आ गए तो आपकी इनकम कितनी होगी। दुनिया में कोई भी अगर अमीर है तो इसी की वजह से है, क्योंकि पहले उसके पास एक दिमाग था, अब कितने दिमाग हो गए, पहले 2 आंखें थी अब कितनी आंखें हो गई, पहले 2 हाथ थे अब कितने हाथ हो गए, पहले 24 घंटे थे अब कितने हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी मोटर कंपनी है टोयोटा लिमिटेड, दुनिया की 57,000 डीलर है पूरे वर्ल्ड में। एक डीलर में एवरेज 250 आदमी काम करते हैं, 57,000 × 250 आदमी पूरे दिन भर टोयोटा के लिए लगे रहते हैं। टोयोटा का जो मालिक है ना, जापान में जब रात को 11 बजे सो जाता है ना, उसी समय लंदन में सुबह हो जाती है और टोयोटे की गाड़ी बिकना चालू हो जाती है। वो सोए तो भी काम चालू रहता है, क्योंकि उसके पास लाखों हाथ, लाखों आंखें, लाखों दिमाग और लाखों घंटे एक दिन में हैं, इसलिए उसे रोक नहीं पाएगा। अमीर बनना है तो इन चीजों को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं जो इंपोर्टेंट आइटम लाता हूं ना, उसके डीलर बना दूंगा। तभी उसने कहा ट्रेडिशनल मार्केट में नेटवर्क बनाने में 3 प्रॉब्लम है। अमीर तो आप सब बन सकते हैं, जैसे टोयोटा बना आप भी बन सकते हैं, लेकिन 3 प्रॉब्लम है। पहले अपने आप को स्टेबलिस्ट करना पड़ता है, यानी अमीर बनना पड़ता है, क्योंकि टोयोटा अगर गाड़ी बेचता है तो पहले उसे गाड़ी बनानी पड़ी। आप बर्गर किंग खोलना चाहते हो तो पहले बर्गर के मास्टर बनके अपनी दुकान को हिट करना पड़ेगा, और कई बार ऐसी चीज को हिट करने में पूरे जीवन निकल जाता है, एक पीढ़ी को कुर्बान होना पड़ता है ऐसी चीजों के लिए। इसका मतलब है आप शुरू करोगे और आप ही अमीर बन जाओगे, उसकी गारंटी नहीं है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि जिसका नेटवर्क होता है फायदा उसी का होता है, जो नेटवर्क में होता है फायदा कभी भी उसका नहीं होता। रिपीट द पॉइंट, क्या बोला मैंने, जिसका नेटवर्क होता है उसका फायदा होता है, फायदा किसका होता है, पानी होता है। फायदा उसका होता है जिसका नेटवर्क होता है, और जो नेटवर्क में होता है, यानी टोयोटा का डीलर टोयोटा का मालिक कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन हर टोयोटा का डीलर मालिक को टॉप पर ले जाएगा। तीसरा, आम आदमी कितनी भी तारीफ करे, नेटवर्क हमेशा टॉप के आदमी का ही बढ़ेगा। आप कितनी भी तारीफ करें आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, आप कितनी भी मेहनत करें आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, अब आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आने लगेगा। बस फाइनल पॉइंट, मैं हूं मुकेश अंबानी और मैंने आपको दिया पेट्रोल पंप, तो मेरे अंडर में अब कितने पेट्रोल पंप हो गए, एक। अब ये रात दिन पेट्रोल बेचे तो इनको तो फायदा होगा,
लेकिन इनको जब भी ये काम करेंगे तो मेरा भी फायदा होगा कि नहीं होगा? Yes. अगर मैं सो गया तो होगा कि नहीं होगा? Yes. जैसे रात को मैं सो गया और रात को 2 बजे इन्होंने ट्रक में पेट्रोल भर दिया डीजल, तो मेरा काम चालू है ना? Yes. क्योंकि ये कर रहे हैं। अब इन्होंने अपने साले को प्रेरित किया है, ब्रदर ऑफ लॉ को प्रेरित किया, भाई साहब पेट्रोल पंप का काम ठीक है, आप भी मुकेश अंबानी से कहे तो आपके लिए भी पेट्रोल पंप ले लें। इनको कर दिया मोटिवेट और ये भी पेट्रोल पंप लेने के लिए तैयार। तो साले साहब पेट्रोल पंप दे सकते हैं या मैं दे सकता हूं? यानी ये कितना भी मोटिवेट करे इनका कोई फायदा नहीं है। जब भी कोई नेटवर्क में आएगा तो मेरे ही नेटवर्क में आएगा, राइट? तो ये ज्वाइन होते ही मेरे ग्रुप में कितने पेट्रोल पंप हो गए? इनके ग्रुप में 0-0। ये दोनों मिलकर इनको प्रेरित करते हैं तो 3 पेट्रोल पंप मेरे ग्रुप में हो गए, इनके तीनों के ग्रुप में 0-0। यानी इनका कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, हर बार ये मोटिवेट कर रहे हैं प्रोग्रेस में। मैंने कहा सर बात तो एकदम सही करें, तभी उसने कहा कि अगर थोड़ा परिवर्तन कर दे तो। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे मुकेश अंबानी बोले कि मैंने आपको पेट्रोल पंप दे दिया, पेट्रोल देने की जवाबदारी मेरी है, लेकिन डीलर नियुक्त आप कर सकते हैं और आपको भी उसका फायदा मिलेगा और सप्लाई करूंगा मैं। तो मैंने इनको पेट्रोल पंप दिया, इन्होंने इनके साले को पेट्रोल पंप दे दिया, पेट्रोल तो सप्लाई मैं करूंगा लेकिन दे दिया इन्होंने, तो मेरे ग्रुप में कितने पेट्रोल पंप हो गए? और साले साहब के ग्रुप में, यानी साले साहब ने एक बढ़ाया तो दोनों के एक एक बढ़ा। नोट द पॉइंट, इन्होंने इनको बनाया तो हम दोनों के एक एक बढ़ गया। अब साले साहब ने अपने साले को पेट्रोल पंप दे दिया तो मेरे ग्रुप में कितने साले हो गए? 3 हो गए ना सर, 3 हो गए। और भाई साहब के और साले साहब के एक जुड़ा, इनका भी एक प्लस, इनका भी एक प्लस, मेरा भी एक प्लस। अब ये साले का साला अपने साले को और वो जो साले हैं सब अपने अपने साले को ढूंढ लूट कर सारे सालों के साले पीछे पड़ जाए तो फिर कौन सा साला बच जाए? मैंने कहा सर ये सा हो जाए तो गजब हो जाए, ये तो चमत्कार हो जाए। तभी उन्होंने कहा यही आरसीएम है। क्या बोला? यही आरसीएम है। मैंने आरसीएम ने तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी तो तुम्हें कहते हैं क्या कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे तो हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी? ना। आप रात को 2 बजे भी अपने साले को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और माल देने की कंपनी की जवाबदारी, डिस्ट्रीब्यूटर आप बना सकते हैं, जवाबदारी कंपनी की। और ऐसे अगर नेटवर्क बनाएंगे तो धमाका हो जाए। और भाई साहब जब मुझे यह बात समझ में आई, 12 घंटे की नौकरी के बाद मैंने इस काम को चालू कर दिया। कितने घंटे की? 12 घंटे। और आपकी 8-10 घंटे की नौकरी होती है तो आप कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। क्या बोलते हैं? मरने की फुर्सत। कोई बोले ना कि मरने की फुर्सत नहीं है, इसका मतलब समझ में नहीं आया है। समझ में आने के बाद तो आदमी भूत बन जाता है। Yes. समझ में आने के बाद तो आदमी पागल हो जाता है। 12 घंटे की नौकरी के बाद समझ में आ गया और भाई साहब तो पागलों की तरह नींद नहीं आती थी मुझे। मुझे एक ही धुन सवार थी, नेटवर्क बना दूंगा। शनिवार को रात को 7 बजे छुट्टी होती थी 1 घंटा पहले। शनिवार को सुबह ही अपने कपड़े का बैग तैयार करके स्कूटर पे टांग लेता था, चारों तरफ कीटे टांग लेता था स्कूटर की तरफ, और अपने दोस्त घनश्याम गवरानी राजकुमार खुसरानी को स्कूटर पर बिठाता, भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से नाथद्वारा, नाथद्वारा से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवाड़, मंगलवाड़ से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरा, 400 किलोमीटर का सफर तय करके रात को 2 बजे भीलवाड़ा आता था। 12 घंटे की नौकरी के बाद और भाई साहब 2 बजे आकर 8 बजे कंपनी ज्वाइन कर लेता था,
और चेहरे पर सिकन नहीं, कोई थकावट नहीं, क्योंकि जो काम हम इच्छा से करते हैं उसमें थकावट नहीं आती। yes. आपको मैं कहूं, यहां पर 100 ईंट ब्रिक्स पड़ी है, उसको बाहर ले जाकर डालो तो आपके लिए काम है, थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे, लेकिन उन्हीं ब्रिक्स को जब आप जिम में उठाते हैं तो सेल्फी खिंचवाते हैं, उठा अब भी रहे हैं, लेकिन अब इच्छा से उठा रहे हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, और बिना इच्छा से कर रहे थे तो काम लग रहा था। ये दिमागी गेम है बाबू, कहीं ये काम कर जाता है और कहीं मर्जी से करते हैं तो दिल को खुशी होती है वजन को उठाने के बाद। पार्ट टाइम स्पेयर टाइम काम करके मात्र 1 साल में नौकरी के साथ काम करके मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी एचीवर बन गया। 23,000 की इनकम, 23,000 एक महीने की। अब मैं सीनियर बन गया, रॉयल्टी पे आया, तो अब मैं बड़े लोगों की काउंसलिंग में बैठता था। मेरे बॉस ने कहा रॉयल्टी एचीवर की काउंसलिंग है, रॉयल्टी एचीवर ही आ सकता है उसके अंदर। 4 रॉयल्टी एचीवर थे पूरे इंडिया में, मैं भी उनकी काउंसलिंग में गया, तो मेरे बॉस ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा शाबाश, मुझे पता था कि तू बड़ा करेगा और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इतिहास रचेगा मुकेश कोठारी। और उन्होंने मुझे कहा ये ले तेरे लिए मैं किताब लाया हूं, ये किताब गिफ्ट। किताब पे लिखा था, आशीष जी ने बोला द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। किताब का नाम क्या था? द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। किताब दे दी हाथ में, मैंने किताब ले ली गिफ्ट समझ कर। तभी अपलाइन ने बोला ये किताब जिस दिन पढ़ लेगा ना उस दिन से तेरे चंडे गढ़ना चालू। उन्होंने तो पता नहीं मजाक मजाक में बोला होगा, मैं इतना सीरियस हो गया कि किताब जब पढ़ लेगा तो आज की आज पढ़े क्या लिखा है इस किताब। घर पर गए, खाना खाया, सीधा रूम में चिटकनी लगाई, लैंप चलाया और पढ़ना चालू। सुबह 5 बजे तक किताब कंप्लीट, 5 बजे तक किताब कंप्लीट कर दी मैंने। पानी पीने गया, 5:05 पर एक खाली पेपर लिया, पेपर पे लिखा टू द मैनेजर फलाना फलाना कंपनी लिमिटेड, मैं अब आपकी कंपनी में काम करने में असमर्थ हूं और आज मैं अपनी इच्छा से अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं। मैं अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन दे रहा हूं और मुझे यह पता है कि मैंने पूर्व में आपको नोटिस नहीं दिया है, इसलिए मेरी 3 महीने की ग्रेच्युटी आप नहीं देंगे, आपकी ग्रेच्युटी आपको ही मुबारक। मैं तो जा बाप रे। अरे भाई मैं समझना चाह रहा था कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा था कि इतनी ताकत आ गई, तुरंत साइन रिजाइन, बिना बीबी से पूछे, बिना बाप से बात किए, बिना मां से बात किए। क्या था इस किताब में जानना चाहते तो बताऊंगा 5 मिनट। यस नहीं बताओ बताओ, क्या करना है बताओ बताओ, ऐसे करो हाथ को बता दे भाई, बता भी दे भाई, बताता हूं 5 मिनट में स्टोरी सुनाता हूं, कंक्लूड करता हूं। स्टोरी तो बहुत लंबी है लेकिन फाइनल कहां टिकी हुई है स्टोरी जो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा परिवर्तन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगी जल्दी। राजस्थान की बात है, 500 साल पुरानी। राजस्थान में बारिश नहीं होती थी, हमेशा अकाल पड़ते थे। साल में 2 बार बारिश होती थी और जो भी बारिश होती थी उससे लोग तालाब में पानी इकट्ठा कर लेते थे, पीने के लिए वही पानी काम में आता था। जमीन के अंदर जो पानी था वो खारा था, इसलिए पीने के लिए वही पानी लिया जाता था। 4-5 गांवों के बीच में एक तालाब था, उस तालाब से सारी महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर घड़ा लेकर पानी लेने जाती थी और सुबह 8 बजे वापस लौटती थी। गांव का, पूरे राजस्थान का ये कल्चर था। आज भी आप राजस्थान की तस्वीर पुरानी देखोगे तो हमेशा चित्रकार क्या बताएगा, रेत के टीले, 10 लेडीज घड़ा लेकर सीधा जा रही है गाना गाते गाते पानी लेने के लिए। ये आम बात थी वहां पर। उस गांव में 2 बच्चे बड़े हो गए जिनकी एज 18 साल हो गई, तो पिताजी ने कहा कि अब तुम भी कुछ करो, इकोनॉमिकल हाथ बढ़ाओ। दोनों बच्चे ने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें,
तभी उनके दिमाग में आइडिया आया, चलो पानी का ही बिजनेस करते हैं। सारी लेडीज पानी लेने जाती है, हम पानी लाकर पहले ही चौराहे पर रख देंगे बाल्टी में, और जो ही वो पानी लेने जाएंगे हम तेज तेज चिल्लाएंगे, इतनी दूर काय को जाना, एक पैसे में यहीं पे ले लो। उन्होंने दो बाल्टी खरीदी, दोनों दोस्तों ने चार बाल्टी चौराहे पर रख दी। लेडी जुई सुबह 4 बजे निकली, वो तेज तेज चिल्लाने लगे, पानी के लिए इतनी दूर काय को जाना, एक पैसे में यहीं पे ले लो। तो लेडीज को लगा यार ये तो नई फैसिलिटी चालू हुई गांव में। वो वापस घर में गई, अपने अपने पति को बताया कि पानी तो एक पैसे में गांव में मिल रहा है। तो जिनके पति पैसे वाले थे उन्होंने एक एक पैसा दिया, और कुछ लेडीज ने गांव में ही पानी खरीद लिया। देखते ही देखते गांव का प्रचलन बढ़ने लगा, लोग वहीं से पानी खरीदने लगे, और 3 महीने में वो अमीर बनने लगे, क्योंकि उनका पानी धमाधम बिकने लगा। एडवांस में बुक करते थे पानी कि भाई 2 बाल्टी हमारे को चाहिए, 3 बाल्टी हमारे को चाहिए, वो पहले एडवांस में बुक करते थे। अमीर बनने लगे, जो ही अमीर बनने लगे पड़ोसी को पता चल गया कि पड़ोसी का बच्चा अमीर क्यों बन रहा है, पानी की वजह से। तो पड़ोसी ने भी अपने बच्चे को पानी के बिजनेस में ही लगा दिया। दैट इज द ट्रेडिशनल मार्केट जो तुरंत कॉपी होगा। देखते ही देखते गांव के सारे बच्चे पानी का ही बिजनेस चालू करने लगे, पानी में हो गया कंपटीशन। पानी तो आम हो गया लेकिन कंपटीशन फुल हो गया। जैसे रेलवे स्टेशन पर रिक्शे वाले पीछे पड़ जाते ना, अब लोग पीछे पड़ जाते थे पानी वाले। एक लेडी जुई घर से बाहर निकलती थी, सारे घेर लेते थे, मेरा ले लो, मैं एक पैसे में 2 दे दूंगा। अब इतना कंपटीशन हो गया कि जिस बच्चे ने चालू किया था वो खुद ही फंस गया। उसने कहा यार भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने शुरुआत की, सारा आइडिया मेरा है, ये तो चौपट हो गया। ट्रेडिशनल मार्केट में होता ही ऐसा, एक छोले भटूरे वाला हिट हो जाता है ना कहीं पर, तो उसी लाइन में 5 खुल जाते हैं। बॉम्बे में कालबा देवी के अंदर रामकिशन जी एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है भगत ताराचंद। क्या नाम है? भगत ताराचंद। आपको आश्चर्य होगा कि उस गली में 14 भगत ताराचंद है। एक ने लिखा आर भगत ताराचंद, एक ने लिखा एस भगत ताराचंद, एक ने लिखा टी भगत ताराचंद, जो सबसे लास्ट में खुला उसने लिखा यही है ओरिजिनल भगत ताराचंद। ट्रेडिशनल मार्केट में तो कॉपी होगा, रोक नहीं पाओ। उस बच्चे ने कहा यार भाई ये तो उलझ गया, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। तो दूसरे बच्चे ने कहा यार क्या करेंगे फिर? उसने कहा एक आइडिया तो है। क्या आइडिया है? 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है ना, वहां से हम एक पाइपलाइन बिछा देते, पाइपलाइन खोद देते। 500 साल पहले कोई जेसीबी मशीन नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, साइकिल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, 2 पहाड़ भी इसमें आते थे, और ये पाइपलाइन खोदने की बात कर रहा था। पहला बच्चा उसके ऊपर हंसा और तार्किक बात करने लगा, ए भाई क्यों दिमाग खराब कर रहा है, ऐसे पाइपलाइन खुदती है क्या? तेरा बाप भी खोद पाया पाइपलाइन कर, ऐसे खुदती तो पहले क्यों नहीं खुद गई, और खुद भी जाएगी तो कितने साल लगेंगे पता है, मर जाएगा खोदते खोदते। ऐसे तर्क देते ना बार वाले। मैं एक आदमी को प्लान बता रहा था, प्लान बताते 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 इनकम पे आया। मैंने कहा इतनी पिच पे ये इनकम, इस पे स्टार सफायर बनोगे तो 20 लाख की इनकम। तो मैंने जो ही स्टार सफायर पे लगा 20 लाख बोला ना, वो क्या बताओ? अच्छा 20 लाख। मैंने कहा यस यही चाहिए। क्या बोला उसने? यही चाहिए, मैं अब करके रहूंगा, 20 लाख की इनकम चाहिए। कितने साल लगेंगे? मैंने कहा यही कोई 10-11 साल मान लो। वो कहा 2 साल, 10 साल के बाद तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मैंने कहा तो कुछ मत कर, तो भी 10 साल के बाद 50 का ही करके हो जाना, बिना करे क्यों होना चाहते हैं? आम आदमी की सोच अलग तरह। अब क्या हुआ? उस बच्चे ने कहा मैं तो खोदूंगा। तो दूसरे बच्चे ने बहुत मना किया, भाई मत खोद, ऐसे नहीं खुदती है, जीवन खराब हो जाएगा, चल मेरी बात समझ में नहीं आती तो गांव के प्रधान जी से पूछते।
तो प्रधान जी को बोला कि प्रधान जी ये 5 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाना चाहता है। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई आजकल भूत प्रेत आत्माएं बहुत सता रही है, इसको कोई भूत प्रेत लग गया है। तुरंत उन्होंने जाड़े पोछे वाले को बुला लिया कि इसका जाड़ा फूको क्योंकि भूत लग गया। वो कैलकुलेटिव था लेकिन कोई कैलकुलेटिव नहीं थे। वो आदमी क्या सोच रहा था? वो आदमी सोच रहा था 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। हेलो, कितने? 5000 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 5000 मीटर। अगर मैं रोज 1 मीटर खोदू, 1 मीटर इतनी तो खोद सकता हूं ना रोज, तो कितने दिन लगेंगे? 5000 दिन यानी 14 साल लगभग। 14 साल लगेंगे और मेरे को जीना तो 70 साल है और अभी मेरी एज 20 साल है। 20 में 15 जोड़ लिया तो 35, तो 35 साल तो मैं अपनी पाइपलाइन का फायदा उठाऊंगा और उसके बाद मेरे बच्चे भी जीवन आराम से निकालेंगे। कोई भी आदमी ऐसी कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहा था और उसने कर डाला और वो खोदने निकल गया। पार्ट टाइम खोदता था, 2 पैसे का पानी लाता था, घर का खर्चा चलाता था और बाकी जो भी टाइम मिलता था उसमें पाइपलाइन खोदने चला जाता था। जो फुल टाइम नौकरी कर रहे थे, जो फुल टाइम बिजनेस कर रहे थे, उनकी इनकम ज्यादा थी, इसकी इनकम बेचारे की कम थी, लेकिन इसके सपने बड़े थे। ये खुश रहता था, ये जब भी अपने टारगेट की तरफ देखता था तो उसे पता चल जाता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और इनके अंदर ताकत ज्यादा थी, चार्म से भरा रहता था क्योंकि उसे पता कि एक दिन पाइपलाइन खोदेगी। और उसने खोदना चालू किया, लोग उसके ऊपर हंसना चालू हो गए। जैसे तुम्हारे ऊपर हंसते हैं ना जब तुम ये टाई पहन के घर से बाहर निकलते हो, तो तुम्हारा पड़ोसी कहता ना जय आरसीएम, बड़ा आ गया आरसीएम, रोल्टी पे पहुंचेगा, तेरा बाप पहुंचा रोल्टी पर कभी? मन ही मन सोचता है। उसके साथ भी ऐसे ही कहने लगे, ये पागल पाइपलाइन बनाएगा। लेकिन वो रोज खोदने चला जाता, खोदते 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 पानी नजदीक आने लगा। पानी नजदीक आने लगा तो गांव में 2 तरह के लोग चर्चा करने लगे। कुछ लोग कहने लगे हो तो सकता है, कुछ लोग क्या कहते थे हो ही नहीं सकता। दोनों ही शर्तें लगाते थे, 2 समय से 4 कचोरी की, लेकिन पाइपलाइन कोई नहीं खोदता था। सब चर्चा ही करते थे, पाइपलाइन तो एक ही खोद रहा था। वो खोदता गया खोदता गया खोदता गया, 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट, 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो उसने क्या बोला, ऐसे सीट लगा लिए और यहां नल लगा दिया चौराहे पर और बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों अब आपको 1 पैसे में 1 बाल्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, 5 पैसा महीने का जमा कराओ और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। क्या लिखा, क्या लिखा उसने? 5 पैसा महीने का और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। 100 के 100 बच्चे एक ही दिन में बेरोजगार। That is the traditional business. Right. जिस भी बिजनेस को तुम करते हो कब लुटिया डूब जाएगी तुम्हें पता नहीं है। एक समय बजाज सुपर स्कूटर था ना, उस पर उस जमाने में 5000 रुपए ब्लेक चलता था। वो बजाज सुपर स्कूटर ही सृष्टि से गायब। एसटीडी पीसीओ टॉप पर आते थे 25 साल पहले, हर आदमी का सपना था कि मेरा एसटीडी पीसीओ हो। एसटीडी पीसीओ ही पूरी दुनिया से गायब हो चुके। बैंक की नौकरी सबसे ज्यादा जनरेशन देती थी, अब बैंक को क्लर्क की जरूरत ही नहीं है। पैसा लेने की भी मशीन, पैसा देने की भी मशीन, पासबुक प्रिंट करने की भी मशीन, लोन सबमिट करने की भी मशीन। नौकरी गायब। पेंटर है ना, पेंटर 25 साल पहले टॉप पर हुआ करते थे। फिल्म रिलीज करने से पहले पेंटरों से कॉन्ट्रैक्ट होता था कि ये पोस्टर कितने दिन में बना के दे देंगे आप। सारे पेंटर ही गायब हो गए, फ्लेक्स मशीन आ गई, 5 सेकंड के अंदर पेंटर आउट निकलने लगे, पूरी सृष्टि से पेंटर गायब। भाइयों
फिर सुनना मेरी बात, 10 साल में इस सृष्टि से सारे ड्राइवर गायब हो रहे हैं, लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना, ड्राइवर सृष्टि पे ही नहीं रहेगा। आपके पड़पोतों को आप कहानी सुनाएंगे, ए बेटा हमारे समय में ना गाड़ी ड्राइवर चलाता था, तो पोता हंसेगा, गाड़ी भी ड्राइवर चलाता था, मतलब गाड़ी ड्राइवर चलाता था, मतलब ड्राइवर भी कुछ होता था। मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात। जैसे आज के 70 साल पहले तुम्हारे दादाजी को एक आदमी ने बोला था कि लंदन में मैच होगा और गुड़गांव में बताऊंगा, तो तुम्हारे दादाजी भी इतने ही हंसे थे। दादाजी कह रहे थे इतनी बड़ी दूरबीन लेकर आएगा, समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि गाड़ियां आएगी नहीं, आ गई है, जिसका नाम है ड्राइवरलेस एक्सीडेंट प्रूफ कार। एक्सीडेंट करके बताओ 1 करोड़ का इनाम पाओ। तुम एक्सीडेंट करना चाहो तो नहीं कर सकते। रीयूजेबल बलून लगे हुए हैं, 20 की रफ्तार से, 20 ग्राम से ज्यादा की वस्तु तुम्हारी गाड़ी की तरफ टकराने की कोशिश करे तो अपने बलून को खोल देती, जो रीयूजेबल होती हैं। तुम भिड़ना चाहो तो भिड़ नहीं सकते। ये गाड़ियां आएगी नहीं। 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार होते ही आप क्या देखेंगे, ये सारी गाड़ियां दौड़ने लगेगी। और अभी इसके झलकियां तो आपको मिलने लग गई, अभी जो नई गाड़ियां आप खरीदेंगे उसमें ऑटो क्रूज कंट्रोल है ना, एक आगे गाड़ी जा रही है, आपने सिर्फ बटन दबा दिया फॉलो अप दिस कार, उसके पीछे लगा दो गाड़ी को, स्टेयरिंग छोड़ दो, आगे वाली गाड़ी 100 पर, आपकी ऑटोमेटिक 100 पर, आगे वाली 50 पर, आपकी भी 50 पर, आगे वाली ब्रेक लगा देगी, आपकी भी ब्रेक लगा देगी, आपको कुछ करने की। ये गाड़ियां तो अभी है इंडिया में, आएगी नहीं है, और वो गाड़ियां भी आ चुकी है। ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर उस पूरी गाड़ी में स्टेयरिंग ही नहीं है ड्राइवर की, तो क्या बात करोगे। स्टेयरिंग है नहीं, गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाड़ी है, जो गाड़ी में कोई चाबी नहीं है लगाने के लिए, गाड़ी में फिट है मालिक की शकल, परिवार के सारे मेंबर को गाड़ी पहचानती है, परिवार का मेंबर गाड़ी के सामने जाता है गाड़ी ऑटोमेटिक खुल जाती है, लेकिन वो देखता है कि ये आदमी जिंदा है कि नहीं है। तो गाड़ी पर पूरा हाथ लगाना पड़ेगा, अगर धड़कन चल रही है तो गाड़ी खुलेगी, बाकी नहीं खुलेगी, या फिर आंखें टपकाना पड़ेगा तब गाड़ी खुलेगी कि ये जिंदा है, क्योंकि मुर्दे को भी कोई ले जा सकता ना गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी ऑटोमेटिक बोलती है गुड मॉर्निंग सर, कहाँ जाना पसंद करेंगे, दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं सर, एक आगरा होकर है, एक कोटपुतली होकर है, तीसरा महेंद्रगढ़ होकर है, किधर से जाना पसंद करेंगे। आप बोलेंगे कोटपुतली होके जाएंगे, नहीं जाना चाहिए सर, मेरी राय है उधर जाम लगा हुआ है और एक आदमी दारू पीकर किसी ट्रक के नीचे घुस गया है और उसका नाम ये है, वो तो न्यूज चैनल से भी जुड़ी हुई है भाई साहब, वो सिर्फ सैटेलाइट से नहीं न्यूज चैनल से भी जुड़ी हुई है, तुम डिटेल में जाओगे तो डिटेल में न्यूज सुना देगी, ड्राइवर का नाम और पिताजी का नाम तक बता दो। आएगी नहीं? तुम जिस कारोबार को करते हो ना, जिस नौकरी को करते हो ना, जो नौकरी अभी टॉप पे हो सकती है ना, 3 साल में टेक्नोलॉजी को 0 कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार चलना है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों पर डिपेंड करता है, और सृष्टि पर जब तक इंसान चलते रहेंगे तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलती रहेगी। डायरेक्ट सेलिंग क्यों चलती रहेगी? क्योंकि हर चीज में बदलाव डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है। भाई सामान बदलना है, सामान तो बिकेगा ना, भाई तरीके बदल सकते हैं, सामान तो खाना तो पड़ेगा ना। अभी जैसे आप आटा दाल चावल खाते हैं, बाद में हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़े फिर इंजेक्शन मिले ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के,
टेक्नोलॉजी बदल सकती है तो हम इंजेक्शन बेचना चालू कर दें। थोड़े दिन बाद के किसी की शादी में जाओगे तो आपकी शक्ल देखकर बोलेंगे, भाई साहब ये तो हमारा क्लोज फ्रेंड है, इसको ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के इंजेक्शन साथ ही लगा दो। ये प्ले हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, और प्रोडक्ट जब तक बिकेगा तो डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम चलने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आरसीएम क्यों चलेगा? क्योंकि इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट है, और आरसीएम ऐसे प्रोडक्टों में डील करता है जिसमें सृष्टि का एक भी आदमी मना नहीं कर सकता कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, नमक नहीं खाऊंगा, मिठाई नहीं खाऊंगा। जब जब भी वो खाएगा तो आएगा। अब क्या हो गया, वो बच्चे ने क्या कर दिया, एक चेयर लगा दी। चेयर नहीं है यहां पर, बाकी मैं लगाकर बताता आपको, दिख रही चेयर? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है मैं ऐसे बैठ जाता हूं। ऐसे चेयर लगा दी, चेयर पे बैठ गया और नल लगा दिया। जो भी आता था वो नल खोलता था, नल खोलने का मतलब पैसा आता था। जब भी नल खोलता था तो पैसा आता था, तो ऐसे आवाज आती थी, ट्र करता था तो पैसा आता था, टू करता था तो बंद हो जाता था। तो अब जितनी भी बार हो ट्र ट्र पैसा आता था। क्या करने से पैसा आता था? क्या यार, बोलना ही नहीं आता। सब लोग इसे हाथ को करो, अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो हाथ को, बेंजी से हाथ करो, ऐसे करो सब लोग, और बोलो ट्र मजा आएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? अगर पैसा के लिए अगर हमें ट्र करना हो तो कितना मजा आएगा, थोड़ा सोचो, है ना? ऐसे करो ट्र और पैसा आ जाए, अरे बाप रे। और उस बच्चे के आने लगा, कैसे करने से आने लगा? जो ही नल खोलता था पैसा आता था। एक साल में गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, 100 नौकर काम करने लगे उसके लिए, लेकिन 2 किलो वजन कम हो गया। 2 किलो वजन क्यों कम हो गया? क्योंकि वो बार बार सोच रहा था कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ट्र कौन करेगा। मुझे तो अपने बच्चे पर निर्भर होना पड़ेगा, तो बच्चा मेरा ट्र करके भी मुझे ट्र करके भगा सकता है। 2 किलो वजन हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो उसने नया बोर्ड लगाया। अब उसके पास काम करने वाले बहुत सारे लोग थे, अब वो डरता नहीं था, पैसा उसके पास था। तो उसने लिखा, भाई और बहनों, अब आपको पानी लेने के लिए चौराहे पर आने की जरूरत नहीं है, 10 पैसा महीने का जमा कराओ, अपने घर में ही पाइपलाइन ले जाओ और घर में आप खुद ही ट्र करो। देखते ही देखते लोग घरों घरों में पाइपलाइन ले गए। अब ना उस बच्चे के पास कोई काम नहीं, वो तो इधर उधर घूमता रहता, कोई कहीं पे भी ट्र कर देता, और जहां पर भी वो ट्र करता उसके पैसा आता। अब गांव में कोई ट्र करेगा पैसा ही आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो कोई इस वक्त ट्र कर सकता है क्योंकि घर का मामला। अब रात को 2 बजे कोई बाहर से आया और नहाने की इच्छा ही, उसने ट्र कर दिया इधर पैसा, और बाप रे, कोई कुदर भी करे तो ट्र। हमारा ये ट्र कंप्लीट हो चुका है। डेढ़ करोड़ लोगों का नेटवर्क है मेरा, 17 लाख लोग हर महीने हमारी टीम में बिलिंग करते हैं, यानी 17 लाख लोग हर महीने ट्र करते हैं। लेकिन जब वो अपने घर में ट्र करते हैं तो उसे ट्र की ही आवाज आती है। लेकिन कोई भी आदमी कभी भी ट्र करेगा तो हमारे घर में तो कंटिन्यू ही आवाज आती है। कैसे आवाज आती है? कंटिन्यू आती कि कौन कब ट्र करेगा हमें पता नहीं। और भाई साहब, 2 घंटों से मैंने आपको काम पे लगा रखा है, 2 करोड़ का ट्र कर दिया है, 2 करोड़ का माल बेच चुका हूं मैं बातों में लगाकर आपको।
क्योंकि पाइपलाइन इज कंप्लीटेड नाउ। यस। अगर पाइपलाइन बनानी है अगर पाइपलाइन बनानी है और ट्र करना है तो मैं 5 मिनट और बात करूंगा। yes. और अगर आपको पाइपलाइन नहीं बनानी है, ट्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए सेमिनार समाप्त हो चुकी है। 150 रुपए में इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता। कितने लोगों को पाइपलाइन बनानी है, हाथ खड़ा करो। दोनों हाथ खड़ा करो और अंदर से बोलिए एक बार, ये मैं बताता हूं ये पाइपलाइन कैसे बने। 3 काम करने से बने। पहला, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। पहला काम क्या है? अगर इस बिजनेस को करना है तो मां की तरह प्यार करना पड़ेगा। मां मां है, मां का कोई अल्टरनेट ना था न कभी होगा। मां के रिश्ते पर जब कोई बात होती है तो सर्वोपरि बात होती है। तूने मेरी मां के लिए ऐसा कहा, दुनिया के सबसे भोले आदमी को भी इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि तलवार होना तो साले की गर्दन पर चल जाए। माँ का हम कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढते, हम किसी पड़ोसी से नहीं कहते मेरी माँ 3 दिन के लिए बाहर गई है, तेरी माँ उधार दे दे। हम माँ के लिए कभी भी कॉपी नहीं करते, ये कंपेरिजन नहीं करते कि तेरी माँ की नाक टेढ़ी मेरी नाक की माँ की नाक सी। माँ माँ है, वो कंपेरिजन से परे है, और इसलिए ही माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता कहलाता है। आरसीएम के प्रोडक्ट मेरी माँ के प्रोडक्ट हैं और मैं 100% इसका इस्तेमाल करूंगा बिना किसी के बताए और बिना किसी समझाए, क्योंकि ये मेरी माँ है। ये चीज जिस दिन तुम्हारे दिमाग और दिल में उतर गई उस दिन तुम्हारी टीम भी ऐसी ही बनना चालू हो जाएगी। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज एट ऑल। एक आदमी को मैं समझा रहा था 100% प्रोडक्ट यूज, तो सामने वाला समझ गया। उसने कहा, भाई साहब मैं आज से कसम खाता हूं कि सारे प्रोडक्ट आरसीएम के ही लूंगा, सिर्फ नहाने के साबुन को छोड़कर। मैंने कहा, भाई नहाने का साबुन क्यों छोड़ना है? वो कहते, नहाने का साबुन तो मैं लक्स से ही नहाता हूं, लक्स से ही नहाऊंगा। मैंने कहा, लक्स से क्यों नहाएगा? सर उसमें ऐश्वर्या राय का फोटो आता है। मैंने कहा, उससे क्या होता है? सर नहाते जाते हैं तो सुबह सुबह तरोताजगी महसूस होती है। मैंने कहा, बेवकूफ इंसान, 5 रुपए में ऐश्वर्या राय का फोटो मिलता है मार्केट में, जाके परमानेंटली बाथरूम में चिपका दे, ना तो आरसीएम के साबुन से ले। दिमाग नहीं लगाना, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज मतलब नो एक्सक्यूज एट ऑल। अगर 100% वक्त इस्तेमाल करने की बात करेंगे ना आप, तो आप अपनी टीम को ये मैसेज देंगे और आपकी टीम में ऐसे ही आदमी तैयार होंगे। तुम्हारी टीम वो कभी भी नहीं करेगी जो तुम कहोगे, तुम्हारी टीम वही करेगी जो तुम करोगे। क्योंकि भाषण कोई सुनना नहीं चाहता। तुम्हारा अगर बच्चा 20 साल का हो गया है, थोड़ा सा भाषण दे के देखना, तुम्हारा बच्चा तुम्हें उसी समय बोल देगा, अरे पापा यार इतना भाषण मत पेलो, मैं पता चल गया ना मैं बड़ा हूं ना कोई छोटा बच्चा हूं क्या। कोई सुनना नहीं चाहता, सब देखना चाहता। जिसके भी घर में मैं जाता हूं और कुछ लोग अपने बच्चों कहते हैं, अंकल आए पैर छुओ
मुझे लगता है कि संस्कारहीन घर है। बच्चे को क्यों बोलने की जरूरत है कि पैर छू? बच्चे के सब कॉन्शियस मन में क्यों नहीं है कि पैर छूने हैं? क्योंकि तुम केवल भाषण दे रहे हो। तुम्हें क्या करना है? रोज बच्चे को उठाना है, अपने साथ ले जाना है और अपने मां बाप के रोज चरण छूने बच्चे के सामने। बच्चा अपने आप करना चालू कर देगा, क्योंकि बच्चा सुनना नहीं चाहता, देखना चाहता। डायमंड क्लब करो, भाषण दे रहे हो तो तुम्हारी डाउनलाइन भी भाषण देना सीख जाएगी, वो भी बोलेगी मेरे को तो नहीं करना, डाउनलाइन चेक करवाना। साहब डायमंड क्लब करो तो जिसको कहा वो क्या कहेगा? करना थोड़ी, करवाना। तो सब लोग भाषण देंगे, सब डायमंड क्लब करो, पर कोई नहीं रहा, सब बोल रहे हैं डायमंड क्लब करो। एक तारीख को डायमंड क्लब खुद करके डालना है ग्रुप में कि मेरा हो गया आपका कर, क्योंकि आप करोगे तो लोग आपकी कॉपी करें। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के सबसे टॉप के लीडर थे आजादी आंदोलन में। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में लोगों को कहा चरखा चलाओ, लेकिन कहने से पहले खुद ने चलाया। वो इतने बड़े लीडर थे कि उन्हें चलाने की जरूरत नहीं थी, वो तो कह भी सकते थे मैं तुम्हारा नेता हूं, कह रहा हूं ना चलाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते। बोलो मत करके बताओ, बोलो मत करके बताओ। दुनिया अपने आप कॉपी करे, कर सकते हैं 100% प्रोड्यूस। नंबर टू, यूज द प्रोडक्ट प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रमोट द प्रोडक्ट कब होता है? जब हम प्रोडक्टों को यूज करके उसको आनंद महसूस करें तो ही हम प्रमोट कर सकते हैं। जैसे पुष्पा फिल्म हमने देखी और हमें मजा आया तो ही हम प्रमोट कर सकते हैं ना। yes. झुकूंगा नहीं सारा ये कब करते हैं हम? जब हम खुद देखकर खुश होते हैं। तो प्रोडक्ट यूज करोगे नहीं तो प्रमोट कभी कर पाओगे ही। गंजे को कंगी बेचने वाले सेल्समैन बनने की कोशिश मत करना। तुम हीरो हीरोइन नहीं हो कि एक्टिंग कर लोगे, तुम्हारी शक्ल से ही सामने वाला बता देता है कि झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहा, क्योंकि तुम्हारा ये थोबड़ा है ना, ये कहानी सामने वाले को सब बता देता है। आपके बोलने से पहले ही सामने वाला समझ जाता है। तुम्हारी माँ तुम्हारी शक्ल को ही देखकर कहती है आज बड़ा टेंशन में नजर आ रहा है। तुम्हारा दोस्त तुम्हें देख कर कहता आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। अभी तुमने तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम्हारे थोबड़े ने इंट्रोडक्शन दिया। इसका मतलब आर्टिफिशियल तरीके से सेल करने की कोशिश मत करो, दिल से कोशिश करो। जो प्रोडक्ट अच्छा लगा है उसकी तारीफ करनी है, उसे सेल करना है, लेकिन जो अच्छा लगा है उसी को सेल करना है। जो आपको अच्छा नहीं लगा है उसकी तारीफ नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट खराब है, इसका मतलब ये तुझे पसंद नहीं है, और जिसे तू पसंद नहीं करता उसकी तारीफ करना तुझे आता ही नहीं। अगर अंदर से खुश होकर तारीफ करोगे तो सामने वाला एक सेकंड में रिसीव करेगा। मैंने एक दोस्त से पूछा कहां गया था, तो दोस्त ने कहा फिल्म देखने। मैंने कहा कौन सी? उसने कहा थ्री इडियट। मैंने कहा कैसी लगी? तो पीछे पैर करता है, होठ को यूं करता है, एक आंख बंद करता है, फिर मुझे कहता है मुझे पूरी फिल्म ही समझ में आ गई। ना उसने हीरो का नाम बताया ना हीरोइन का नाम बताया, फिर भी अगले ही दिन में फिल्म देखने चला गया, क्योंकि उसने कॉन्फिडेंस बताया, और कॉन्फिडेंस बताने के लिए पहले देखना पड़ता है। रेलवे पे जाओ, ट्रेन में एक चाय वाला है जो ढीला ढक्कन की तरह चाय बेच रहा है, चाय चाय
चाय, उसकी चाय बहुत कम बिकाई, लेकिन सुबह सुबह चाय बनाकर अदरक डालकर खुद चाय पिकअप चेक करके जो बोतल में भर के बेचने जाता ना, वो क्या बोलता है, चाय 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 चाय, गारंटी वाली चाय, एक बार पियोगे हजार बार पियोगे चाय का भाई साहब पैसा वापस, समझ में नहीं आया तो पूरी गारंटी के साथ, ऐसा बोलने वाले कितनी चाय एक्स्ट्रा बेच देता है, क्योंकि जिसकी पीने की इच्छा नहीं होती कॉन्फिडेंस देखकर पी लेता है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, एंड नंबर टू, सेल द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, एंड थर्ड इज बिल्ड द नेटवर्क। नेटवर्क को बिल्ड करो ऐसे ही आदमियों का। 2500 पीवी मतलब 100% यूजर, 7500 पीवी मतलब सेलर, 250 पीवी पर डे सेल करने वाला सेलर, 2500 पीवी घर में यूज करने वाला यूजर, और दोनों ही करोगे 2500 पीवी घर में, 7500 पीवी सेल, टोटल 10000 पीवी, और 10000 पीवी आपने डुप्लीकेट कर दिया, तो जिस दिन तुम्हारी टीम में 100 आदमी होंगे, ओनली 100 यू आर द टेक्निकल अचीवर, और आपकी इनकम 50000। लेकिन पहले खुद को करना पड़ेगा, पहले खुद को करना पड़ेगा। कर सकते हैं तो बोलो यस, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो यस। 5 की डिग्री के प्रोडक्ट हैं, आटा दाल नमक चावल आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं है, रिटेल के प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज द ओनली फॉर यूजेबल प्रोडक्ट। आरसीएम क्यों प्रोडक्ट लेकर आता है ऐसे, क्योंकि आपका पैसा बाहर ना जाए, इसलिए आरसीएम आटा दाल चावल लेकर आता है, लेकिन ये रिटेल के प्रोडक्ट नहीं है। आरसीएम में पिछले 10 सालों से शुगर लाने की तैयारी चल रही है, कितने सालों से, 10 साल, और इकलौता मुकेश कोठारी जिसने 10 साल से शुगर को रोक के रखा हो। मैंने कहा मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा अगर शुगर लेकर आए, फिर भी मुझे पता है कि एक दिन तो वो आई, ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप इमोशनली सोचते हैं और हम बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। इमोशनल तो ये है कि शुगर होनी चाहिए, और बिजनेसमैन क्या कहता है कि शुगर जिस दिन होगी हम हमाल बन जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही कमोडिटी ऐसी है शुगर, जिसमें दुनिया में किसी कंट्री में कोई मार्जिन नहीं है। होलसेल में रेट 40 रुपए किलो है और रिटेल की रेट भी 40 रुपए किलो। मेरी बात समझ में नहीं आती तो किराने की व्यापारी से जाके पूछ लें। फिर भी शुगर बेचना जरूरी इसलिए है क्योंकि दूसरी कमोडिटी बिकती ही नहीं अगर शुगर नहीं रखे। शुगर इतना इमोशनल अटैक करती है कि बिग बाजार अपनी सेल लगाता है ना, तो उसमें लिखता है 9 रुपए किलो शुगर दी जाएगी। शुगर में कभी मार्जिन हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम मार्जिन शुगर में 1 रुपया केजी कमाया जा सकता है। अगर मार्केट में 40 रुपए किलो शुगर है तो आरसीएम को भी 40 रुपए में लानी पड़ेगी, बाकी बिकेगी कैसे, राइट? और 40 रुपए में ही लानी है तो 1 रुपया मार्जिन है, और 1 रुपया मार्जिन है तो बीवी 2 रुपया ही होगा। 1 रुपया बांटना है तो बीवी कितना करना पड़ेगा, 2 रुपया, 2 रुपया बीवी है मतलब एक बोरे पर कितना बीवी हुआ, 100 किलो का तो कितने रुपए बीवी हो गया, 200 बीवी, और आप 30% पे हैं तो एक बोरी पर आपको कितना मिलेगा, 60 रुपए, कितना मिलेगा। और आपके पड़ोसी ने बोल दिया कि मेरी बेटी की शादी है, 4 बोरे लेते हुए आना, तो आपको टोटल मिलेगा 240 रुपया, 750 रुपए भाड़ा लगेगा ले जाने। लाए क्या शुगर, बनना हमार शुगर फैक्ट्री में भर्ती हो जाओ, बोरे उठाना, फिर भी आएगी। लेकिन ये हमारे प्रोडक्ट नहीं है आटा दाल चावल, ये तो हमारे यूज करने के प्रोडक्ट है। 5 कैटेगरी है जिसमें स्किल बढ़ाकर रिटेल की जा सकती है। द फर्स्ट इज की सोल के 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जो कॉस्मेटिक में डील करता है, लॉन्जरी में डील करता है, और लेडीज की हाइजीन के लिए डील करता है। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है। PQC पिंक क्वीन क्लब कीजिए, जानकारी लीजिए और सेल के खिलाड़ी बन जाइए, सिर्फ लेडीज नहीं जेंट्स भी, क्योंकि इंडिया में 90% लेडीज के प्रोडक्ट जेंट्स के द्वारा सेल किए जाते हैं। इसलिए आप शर्माओ मत कि मैं PQC बोल करूंगा तो कैसे लगेगा, कर सकते हैं आप भी सच में,
नंबर टू ड्यूटी चार्ज, 15 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज पूरी दुनिया में जो भी बीमारियां हो रही है शरीर में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रही है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आते हैं। ANCC एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कीजिए, एक्सपर्ट बनिए, वीर वीरांगना सेशन में जाइए, ट्रेनिंग के एक्सपर्ट बनिए, सेल के एक्सपर्ट बनिए और अपने सेल को बढ़ाइए। थर्ड इज हरित संजीवनी, जो गांव में रहते हैं किसानों से रिलेटेड है, हरित संजीवनी ऑर्गेनिक खेती के साथ अपनी फसलों को 1.5 गुना तक कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में ट्रेनिंग लेकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे गुड डॉग, प्लांट बेस्ड मीट। दुनिया में सारी बीमारियां अब जानवरों से आएगी, ये WHO ने कहा है, मुकेश कुमारी ने नहीं कहा। स्वाइन फ्लू से लगाकर जितनी भी बीमारियां आई है वो सब जानवरों की वजह से आई है। ये भी कहा गया कि कोरोना भी चमगादड़ के वायरस से आया है। अब मंकी फॉक्स आया है, वो भी मंकी से आया है। यानी आने वाले समय में सबसे ज्यादा गंभीर बीमारियां जानवरों से ही होगी। और जिस तरह से हम अंधाधुन जानवरों को खा रहे हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जो जानवर 6 महीने में बड़ा होता है ना, अब इंजेक्शन से 1 महीने में बड़ा हो जाता है। जब मार्केट में आप मुर्गा खरीदने जाते हैं ना, एक मुर्गा बोलता है कुकड़ू कु, और एक मुर्गा पहले ही ढीला है, और आप मुर्गा खरीदने गए तो मुर्गे वाला पहले मुर्गा कौन सा काटेगा? ढीले वाला। जो पहले ही ढीला है तुम्हें ढीला नहीं करेगा। यानी कितनी बड़ी बीमारियां। तो प्लांट बेस्ड मीट, जिसमें प्रोटीन भी ज्यादा मिले, वाइटामिन भी मिले और साथ में टेस्ट भी वही नॉनवेज का। गुड डॉग नंबर 5 इज द गामा ओरिजिनल। भैया ये वीडियो बना रहे तो मुझे भेजना, आप कट करके वापस बना, आशीष जी बनाओ, गामा ओरिजिनल की वीडियो बनाए, आपके काम आएगी। चलाइए मोबाइल और गामा ओरिजिनल की कट करके बनाइए। ये इसलिए बनाने कह रहा हूं कि आप इस चीज